सॉरी, कॉलेज के लिए देर हो गई। अरे भाई दूसरी बस पकड़ लेते तुम। नहीं जी, लेट हो जाता तो क्लास मिस हो जाती ना। वैसे भी लेट एडमिशन हुआ है, मैंने एक महीने की पढ़ाई भी खो दी है। एक टिकट दीजिए। एक रोज क्लास मिस करने से जान चली जाएगी क्या? मेरी जान भी चली जाए लेकिन मुझे किसी भी सूरत में पढ़ाई नहीं छोड़नी है। मगर जान के डर से पढ़ाई भी नहीं छोड़ सकता मैं। तुम जैसा मेहनती स्टूडेंट पहली बार देख रहा हूँ। अच्छा तुम कौन से कॉलेज में ज्वाइन होने जा रहे हो? आरएनआर लॉ कॉलेज। आरएनआर लॉ कॉलेज? सुना भैया, आरएनआर लॉ कॉलेज में पढ़ने जा रहा है। क्यों हंस रहे हैं आप लोग? आरएनआर लॉ कॉलेज का नाम लेते ही हंसी आ जाती है। अरे क्या हो रहा है? अरे भागे वहाँ, जल्दी आया। अरे जल्दी आ तू। अरे वॉचमैन, अरे वॉचमैन मक्खियाँ मार रहा है, सो रहा है वो। देख भाग रहा है, सब काम कर रहा है, भाग कर ले भाग रहा है। अरे वॉचमैन, अरे सब मेरे वॉचमैन कुमार। अरे वॉचमैन पागल हो गया। हे बहुत मिल गए, चलो चलो। उठाना चाहिए आजकल के जमाने में, मगर तुम तो मेरे हाथ देने पर भी मुझे छोड़ उस बैग को अहमियत दे रहे हो। क्या है कि तुम अपने आप उठ सकती हो लेकिन ये बैग नहीं उठ सकता। जोक करते हो। वैसे ऐसी कौन सी खास बात है उस बैग में? मेरे कॉलेज एडमिशन का स्लिप है। एडमिशन स्लिप? कौन से कॉलेज में? आरएनआर लॉ कॉलेज। आरएनआर? अरे हंसती क्यों हो? ए, वहां बस में लोग हंसे और अब ये लोग, न जाने कॉलेज में क्या होगा। चल। छोड़ो। अरे भैया छोड़ो हमें। अरे छोड़ दो ना। अरे आइंदा नहीं करके छोड़ दो। अरे चल। अरे छोड़ो। अबे घूरता क्या? चल चल चल। अरे मार क्यों रहे हो भाई? अरे भैया इसने बहुत बड़ी गलती की है। क्या किया? हमारी क्लास में कोई नहीं पढ़ेगा, तुमने ऑर्डर दिया था लेकिन ये तुम्हारे ऑर्डर को ठुकरा कर सेंट्रल लाइब्रेरी में जाकर पढ़ रहा था। इसे खड़ा करो कटघरे में। चल जल्दी चल चल जल्दी चढ़ जा। चल योर ऑनर, कॉलेज जाने की उम्र हो गई मगर इसे समझ में नहीं आई। बहुत ही शर्म की बात है क्योंकि इस लॉ कॉलेज में पढ़ते हुए देश को ही धोखा दे रहा है। ओहो, इन्हें देखकर भारत के नौजवान पढ़ाई में ध्यान देकर गलत रास्ते में जाएंगे तो इस देश का क्या होगा बताओ? इस देश का क्या होगा बताओ? कॉलेज में विद्यार्थी को खूब सिगरेट पीनी चाहिए, हैप्पीली मदिरा पीनी चाहिए, लड़कियों को आंख मारनी चाहिए, लेकिन इस तरह आप बस पढ़ने आएंगे तो इस सतीश के पीनल कोड सेक्शन 420 के तहत आपने बहुत बड़ी गलती की है और इसलिए मैं अदालत से गुजारिश करता हूँ कि इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अरे क्या क्षमा करना है? अरे मैं 3 सालों से फर्स्ट ईयर में क्यों पढ़ रहा हूँ कुछ पता है तुम्हें? फ्रेश यहाँ कॉलेज में आए कोई दाखिला ले उन्हें दिखाने के लिए कि मुझे देख के तुम सब पढ़ाई ना करो, क्लास में जाना छोड़ दो, हैप्पीली लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। अरे हमें देख के बाकी के सारे स्टूडेंट्स लोगों को भी पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। सुनो इनको ले जाओ और सजा देने के लिए तैयार करो। भैया, तुम्हारी गलती हुई है, मैं बिना कोई सजा दिए तुम्हें अब प्रमाण स्वीकार समारोह। हम एक जिम्मेदार स्टूडेंट होने के नाते लड़कियों को लाइन मारेंगे मारेंगे, जो बीच में आएगा उन्हें उड़ा देंगे, कभी कभी शराब पीकर पीकर लेक्चरर्स को परेशान करते हुए प्रिंसिपल को भी सताएंगे। हम पूरा आनंद उठाएंगे, इन सब बातों का अमल करेंगे, कसम खा रहे हैं। फॉलो मी।
चल जल्दी लिखो। अरे हुआ कि नहीं? हाँ हो गया, जल्दी आ जा। प्रिंसिपल साहब, उस सतीश की हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उसका आज काम तमाम कर दूंगा। क्या करोगे तुम? वो तो भैंसों की तरह गुंडों को पाल रहा है, अगर उसे पता चला तो तुम्हारा कीमा बना देगा। हिम्मत है तो उसे मेरे सामने आने को बोलो। बोलो, बोलो। मत, मत बोलो। अब तो गया लेक्चरर। क्यों गुरुजी? सुना मुझे याद किया आपने, घबराओ मत, हिम्मत से बोल। देखो सतीश, तुम गवर्नमेंट को चलाने जैसे हम लोगों के होते हुए भी अलग कॉलेज चला रहे हो, हम लोगों को परेशान करना ठीक नहीं है। हाँ। आपको परेशानी है? तो फिर एक काम करते हैं। एक साल के लिए मैं आपको सस्पेंड करता हूँ। शिशु ब्रह्मा, शिशु विष्णु, शिशु देवो महेश्वरा, ऐसा कार्य न करना, पेट में लात मत मारना सतीश्वरा। ये हुई ना बात पंडित जी। अब तुम ईमानदारी से क्लास में जाकर बेंच और कुर्सियों को पाठ पढ़ाकर वापस जाइए। हाँ, ऐसा ही करूंगा। चलिए प्रिंसिपल साहब, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। नाउ आई विल टेक अटेंडेंस। नंबर वन। यस सर। नंबर टू। यस सर। नंबर थ्री। यस सर। नंबर फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, थर्टी, थर्टी वन, थर्टी फाइव, थर्टी सिक्स, थर्टी सेवन, थर्टी एट, थर्टी नाइन, फोर्टी। नंबर फोर्टी। सर, प्रेजेंट सर। आज का काम खत्म। सर सर, आप तो यूं ही जा रहे हैं सर। तो क्या, रूम में झाड़ू लगाऊं क्या? सर ये बात नहीं है। हा? सर लेसन का क्या? लेसन? हाँ, इस कॉलेज में तुम नए आए हो बेटा? जी सर। ओहो, ये बात है, यहाँ लेसन नहीं पढ़ाते बेटा, यहाँ सिर्फ अटेंडेंस ही होता सर, है। सर फिर हम पढ़ाई पूरी कैसे करेंगे? पढ़ाई भोला भाला लगता है, तुम्हें पढ़ाई ही करनी है तो इस कॉलेज में क्यों पढ़ने आए हो? ये बात नहीं है सर, मुझे इसी कॉलेज में पढ़ना है, कुछ भी हो जाए मुझे लॉयर बनना है, लॉयर की डिग्री हासिल करके अपने माँ बाप को दिखानी है मुझे, उन्हें खुश करना है। तेरी इच्छा और लगन मुझे बहुत पसंद आई, लेकिन ऐसी परिस्थिति में मुझे यहाँ आना पड़ा सर। पढ़ के पूरी तरह लॉयर बनने की तेरी इस लगन को देखते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है, तुम जो चाहोगे वो हासिल करोगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा। एक जरूरी बात, यहाँ एक सतीश नाम का भूरी दाढ़ी वाला स्टूडेंट है, उसमें दाढ़ी कम और शैतानी ज्यादा मौजूद है, उसे पता चले बिना मैं तुम्हें स्टाफ रूम में पाठ पढ़ाऊंगा। थैंक्स अ लॉट सर। संभाल के, वो जान गया तो परेशान करेगा, मुझे बाहर निकलवा देगा। जो भी हो उसे पता नहीं चलने दूंगा सर। साइलेंस। सॉरी, तुम और यहाँ? व्हाट मैन, कल मुझसे टकराए थे, आज डिस्टर्ब कर रहे हो, तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? तुम भी इसी कॉलेज की हो ना, फिर कल कॉलेज का नाम लेते ही हंसने क्यों लगी? अरे ना, लॉ कॉलेज का स्टूडेंट कभी भी लॉयर नहीं बन सकता, ऐसे में इस कॉलेज में ज्वाइन होने आए तुम्हें देखते ही हंसी आ गई। सुनो, ये लॉ पढ़ेगा लॉ। लॉ को इतना लो करके मत बोलो, दरअसल लाइफ में लॉ के बिना बात कर सकते हो,
सपोज मान लो तुम किसी लड़के की पढ़ाई करना चाहती हो तो तुम अभिषेक बच्चन लगते हो कहोगी ना। उसी तरह कोई एक लड़की किसी दूसरी लड़की की पढ़ाई करना चाहेगी तो तुम ऐश्वर्या राय जैसी लगती हो कहेगी। क्या मतलब? मतलब ये कि उन्होंने एज पर लॉ शादी की। फिल्मों में फिल्म दिलवाला, मुंबई का मशहूर लोखंड वाला, बड़े बड़े काम करने वाला, हिम्मत वाला, यहाँ वहाँ से आने वाले पैसे का हवाला। उसी तरह मसाला, निवाला, निराला, अलवेला, दूध वाला, चाय वाला और सियासत में घोटाला। मनुष्य की जिंदगी ही एक लाह है, लाह के बिना जिंदगी कैसी। अरे बाप रे महाशय, गलती से मैंने लॉ के बारे में पूछ लिया तो इतनी लंबी क्लास लोगी क्या? मेरे इस कॉलेज में दाखिले से आज तक पहली लॉ क्लास। अच्छा, ये लाइब्रेरी को डिस्को में क्यों बदल दिया? हमारे कॉलेज की स्पेशलिटी यही है, क्लासरूम को स्पोर्ट्स रूम, स्टाफ रूम को स्टोर रूम, लाइब्रेरी की लॉ। तुम्हारी बातों में भी है ना ला। अच्छा ये लाइब्रेरियन कहाँ है? कहीं भी हो सकता है लेकिन यहाँ तो नहीं है, मे बी कैंटीन में हो सकता है। अरे सेठ जी बात सुनिए। का रे इतना जोर से काहे चिल्ला रहा है, कोई मर गया है का? सचमुच मरा है, कॉकरेज दाल में गिरा हुआ है। इसके लिए चिल्लाता काहे है, उठा के फेंक दे। ठीक है। ओए पूरा बाल्टी काहे उठा रहा है? इसे बाहर फेंकने को कहा ना मैंने, कॉकरेज बाहर उठा के फेंकने के लिए कहा। ऐसा क्या? फिर ये कॉकरेज को निकाल के दाल फेंक दे। ओए तो हर भेजे में का भूसा भरा है का? पगले बकेट वही रख। और बात सुन, आजकल कॉकरेज दाल को ही स्विमिंग पूल समझ रहे हैं, इसे हमें बिल्कुल फील नहीं करना चाहिए, समझा? अब बकेट को वहीं रखो और कॉकरेज को उठा के। फिर कॉकरेज का क्या करूं जी, चटनी में डाल के पीस दूं क्या? नहीं, तुझे नानरेज ज्यादा पसंद है तो बाहर जाके खा ले। अच्छा जी। हाँ? अरे राजू। हाँ बस। चाय में मक्खी क्यों पड़ी है? कोई बात नहीं, निकाल का पी ले। चाय में मक्खी पड़ी है और तू निकाल के पीने को बोल? भैया कल छिपकली गिरी थी तो नहीं पिया था क्या? अरे ईका, कल पिया और उल्टी आज कर रहा है क्या? रे इस बड़े में तो छेद है। छेद होता नहीं, हम ही करते हैं। अरे बड़े में छेद क्यों करते बताओ? टेलीस्कोप की तरह छोकरियों को देखने के लिए। हाँ दिखाओ। कमाल है, उसे देखो कॉलेज में ज्वाइन होते ही लड़कियों के साथ घूमने लगा है, हमें उसकी खबर लेनी होगी। वैसे तुमने अपना नाम नहीं बताया। अंजलि, तुम्हारा नाम क्या है? आदित्य। वैसे लाइब्रेरियन है कहाँ? हमें उधार पसंद नहीं इसलिए वो लापता हो गया। आप उधार मत मांगना, खाने को सब मिलेगा। तो आमिर खान और दो शाहरुख खान को ले आओ। ईका, वो कोई हमारे हाथ के बने हुए समोसे हैं जो गरम गरम बना के आपके सामने रख दे। राजू, आमिर खान यानी कोक और शाहरुख खान यानी पेप्सी। ऐसा कह रही है, अभी लाए। अरे एक मिनट, मुझे नहीं चाहिए, थैंक्स। तो फिर नाश्ता कर लीजिए। नहीं चाहिए। तो फिर चाय ही? कुछ भी नहीं। कॉफी? वो भी नहीं चाहिए। तो फिर पानी ही पी लीजिए, वो तो फ्री दे दूंगा। नहीं वो भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? नहीं खा सकता। नहीं खा सकते? क्यों नहीं खा सकते? बता भी नहीं सकता। क्यों नहीं बता सकते? नहीं पूछना चाहिए। अब मैं पूछ भी नहीं सकती? बिल्कुल नहीं। सुनो, इस खाने पीने के मामले में मुझसे जबरदस्ती मत करो। आदि प्लीज, बाकी कुछ भी कहोगी मैं मान लूंगा। हेलो। हाँ ब्रदर, आओ बैठो ना। क्या बे, बहुत लेक्चरबाजी कर रहे हो? हम जो कहेंगे करोगे? करूंगा ब्रदर। अरे हमारे कॉलेज में बहुत बड़ा हीरो पहुंच गया भाई, कहता है सब करेगा। ठीक है, हमारे लॉ कॉलेज ग्राउंड के पूरे 100 राउंड मारो, वो भी रनिंग करते हुए। करोगे? कर दूंगा ब्रदर। ओके अच्छा, हम सबको खुश करने के वास्ते डांस भी करोगे? डांस मैं ठीक से नहीं कर पाता, लेकिन मुझे तो डांस करके दिखाना पड़ेगा। ये बात नहीं है, तुम्हें तो करना पड़ेगा। कैसे करना सोच रहे हो? वेरी सिंपल, कुंफू, कथकली, कुचिपुड़ी, डिस्को, ब्रेक को मिक्स करके ऑल इन वन जैसे अच्छी तरह डांस करो। अरे सोच क्या रहे हो? ओह वेट 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 वेट, डांस के लिए हीरोइन तो चाहिए क्यों? हीरोइन किसे बनाए बताओ तो? रानी मुखर्जी आ जाए तो मजा आ जाए। हाँ? हाँ? भाई वाह क्या खूब बोले, अब तुम ही रानी मुखर्जी। हाँ? ये हीरो है, देखो तुम दोनों डांस करोगे जी। कम ऑन डांस। सुनो ये दोनों मिलके यहाँ डांस करेंगे। कम ऑन टेबल्स पकड़ो, हटाओ, निकालो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, मूव मूव, चलो चलो चलो, बाजू 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 बाजू, कम ऑन कम ऑन, चलो हटाओ, चलो खाली करो खाली करो। बेचारा फंस गया। अरे आओ हमारा सैया शर्माते काहे जी, तुम हमारा हीरो, हम तुम्हारी हीरोइनी रानी। Thank you.
जाना मुझसे ना उलझना, अरे रे रे पंगा तुम न लेना, हमें तो आए नाचना गाना, मैं हूँ कॉलेज का हीरो, जो तुम चाहोगे करके दिखा दूंगा, तुमको बना दूंगा मैं एक पल में यहाँ हीरो से जीरो, ना ना मुझसे ना उलझना, अरे रे रे पंगा तुम न लेना, हमें तो आए नाचना गाना, मैं हूँ कॉलेज का हीरो। सॉरी ब्रदर, इमोशनल हो गया इसलिए लग गया, एडजस्ट कर लो। मान गए तुम बहुत ही ग्रेट हो। देखो कॉलेज यानी मस्ती की पाठशाला, यहाँ हर तरह की कला सिखाई जाती है, तुम हर तरह से बहुत आगे हो, आई मीन बड़े हो, महागुरु हो, तभी तो मुझमें से एक कलाकार को तुमने बाहर निकाला। मान गए तुमने मेरे हुनर को लोगों तक पहुँचाया है, तुम जैसे महान की इस कॉलेज को सख्त जरूरत है। अरे इस कॉलेज के लोगों की खुशकिस्मती है, तुम एक दिन जरूर बहुत ऊपर जाओगे। इंटरेस्टिंग बात बोलता है, क्या कैरेक्टर है। अब मैं चलता हूँ दोस्त। अरे सुन, ये हमारी बढ़ाई कर रहा था या हमारी खिंचाई कर रहा था? बातों से तो लगता था जैसे बढ़ाई कर रहा है, मगर देखो तो लगता है कि खिंचाई करके गया। छोकरा बहुत ही विद्वान लगता है, बड़ा ही टैलेंटेड है भाई। असल में इतना टैलेंट इसको कहाँ से मिला? अरे खून में होगा जी, तभी तो कड़ची घुमा के मक्खन लगा के गायब हो गया। अरे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उसके टैलेंट वैलेंट से, आप जरा इस बिल का भुगतान करें तो हम यहाँ से चले। बिल चाहिए? इधर घुमा। सर सर, 203 नंबर की बस गई क्या? अभी अभी चली गई। चली गई? अगली बस कब तक आएगी? एक घंटे बाद आएगी। एक घंटा? घंटे भर में तो पहुंचना है। ए,
अपना इंश्योरेंस करवा के आया क्या? सॉरी सर। सॉरी अरे सॉरी क्या? बुरा मत नहीं, मुझे जल्दी पहुंचना है सर। ध्यान से पार किया कर सड़क को। हेलो। हाय। क्या हुआ, परेशान लगते हो? कुछ नहीं, बस निकल गई और क्या। कहाँ जाना है आपको? यहीं बस बांद्रा टर्मिनल तक। ओ, मैं भी वहीं जा रही हूँ, आओ ड्रॉप करते हैं। नहीं कोई बात, वो क्या है कि यहाँ नजदीक में मेरा दोस्त रहता है, उससे मिलके साथ में निकल जाऊंगा। ओके चलिए, मैं आपको वहीं तक ड्रॉप कर देती हूँ। नहीं आपको तकलीफ होगी, मैं चला जाऊंगा। बाय। हेलो। फ्रेंड के घर बोल रहा था, अभी तक यही है। आदित्य, ये आदित्य, ये क्या, फ्रेंड के घर जाना है बोल के फिर इसी तरफ जा रहे हो? यानी हाँ, मेरे फ्रेंड को फोन किया और मैंने कहा कि मैं सांता क्रूज में मिलूंगा, इसीलिए मैं वहीं जा रहा हूँ। तुम्हें फोन किया उसने? नहीं, मैंने ही फोन किया तो उसने बताया। ओके बाय, सी यू। आदित्य, तुम यहाँ पढ़ रहे हो? क्यों? वहाँ उधर देखो। अरे उड़ बे, हाँ? क्यों? क्यों रे, पढ़ रहे हो? आराम से एंजॉय करने के लिए ये पुस्तकें किस लिए? अरे ऐश करो या कोई सेक्स बुक्स को पलटो। मतलब तुम बहुत पढ़ना चाहते हो और हम तो बेकार में फजूल में घूम रहे हैं ना? आइंदे इस तरह पढ़ते नजर आए ना तो काट डालूंगा, जाओ बाहर। देखा तुमने, इस कॉलेज में तो पढ़ना बहुत ही डेंजर है। हम जैसे पढ़ने वालों को तो बड़ी बुरी नजर से देखा जाता है। वो सतीश पढ़ता नहीं और दूसरों को पढ़ने नहीं देता। आदित्य, तुम्हें संभल के रहना होगा यहाँ। देखो पढ़ना है तो कैसे भी पढ़ सकते हैं। सतीश हमारे रास्ते का रोड़ा नहीं बन सकेगा। मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सब पढ़ेंगे। ओके बाय। देख अब वो हमारे R&R लॉ कॉलेज का स्टूडेंट ही बन गया है। हेलो ब्रदर। हाँ, लॉ कॉलेज में तुम ओके सिनेमा मैगजीन्स पढ़ते हो तो बड़े लॉयर जरूर बनोगे। ऐसे टाइम तुमको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कैरी ऑन, कैरी ऑन। थैंक यू। हाँ अरे बड़ी खूबसूरत चीज है भाई, ऐसे उछालो उसको। भैया सॉरी मैडम। भैया क्या चीज है? हाँ भैया, तुम्हारे मना करने पर भी वो डरा नहीं। क्या क्या उसने? निमा की किताब में लॉ की किताब पढ़ रहा है, उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया भैया। How dare he? तुम्हारे मना करने पर भी वो पढ़ रहा है तो तुम्हें उल्लू बनाया ना उसने। पेप्सी में विस्की जैसे, फिल्मी बुक्स में लॉ बुक्स रख के पढ़ता है। अब बहुत हो गया, उसे आज बेसबॉल ट्रीटमेंट देना ही होगा। हेलो भैया। क्या भैया, बेसबॉल प्रैक्टिस कर रहे हो? मुझे बेसबॉल काफी पसंद है। रुको अभी आता हूँ, जरा क्लास में अटेंडेंस देकर आता हूँ। तुम पढ़ाई करते हो? सुनो इसको ले आओ। चल बे, चल। भैया, चल। भैया 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 प्लीज भैया भैया। तूने कोई मामूली गलती नहीं किया, पढ़ना ही जब गलत है तो फिल्मी किताबों के बीच लॉ बुक्स रख के पढ़ना इससे बड़ी गलती है, और इसलिए तुम्हें लॉ कॉलेज से परमानेंटली बाहर किया जाएगा। इतनी बड़ी बात मत कहो भैया, ये मुझसे गलती हो गई भैया। तुम जो भी सजा दोगे मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन कॉलेज छोड़ने के लिए मत कहो भैया। नामुमकिन, क्लास में कोई भी पढ़ाई करेगा तो सजा मिलेगी। भैया बाकी लोगों की बात और मेरी बात और है, मुझे पढ़ाई छोड़ के दूसरा रास्ता बिल्कुल नहीं सोचता। अगर मैं पढ़ाई नहीं करूंगा तो मेरे जीने का मकसद ही नहीं। प्लीज भैया प्लीज, मुझे इस कॉलेज से जाने के लिए मत कहो। उधर एक बच्चे की तरह पढ़ाई करने के लिए मेहनत कर रहा है, क्या मालूम उसके घर में क्या प्रॉब्लम है, तभी तो गिड़गिड़ा रहा है वो। मेरा मकसद ही पढ़ना है। पढ़ लो। सच कह रहे हैं? थैंक्स भैया थैंक्स। तुम पहले 5 मिनट
इस सर्कल में खड़े हो जाओ। चलो खड़े हो जाओ, क्यों इतनी सी बात? हाँ इतनी सी बात है, कुछ भी हो जाए तुम्हें सर्कल में 5 मिनट खड़ा रहना होगा। अगर पैर बाहर रखोगे तो पढ़ नहीं पाओगे तुम। हाँ ठीक है। तैयार हो? तैयार। Come on, start. Yes. अरे बैड लक यार। और 2 सेकंड तुम खड़े रह जाते ना, तुम क्लास में पढ़ने जा सकते थे यार। बहुत बैड लक है यार, फिर दोबारा पढ़ने का मन करो तो आ जाओ यहाँ पे, 5 मिनट और खेलेंगे, तुम क्लास में जा सकते हो। चलो भैया 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 प्लीज, आप कहो तो मैं फिर से खड़ा हो जाता हूँ। देखो भैया, मैं अगर एक दिन भी पढ़ाई छोड़ दूँ तो मेरी हालत खराब हो जाएगी, सर्कल में खड़ा हो जाता हूँ। आप फिर से बॉल मारिए, 5 मिनट तक मैं सहन करूंगा, उसके बाद ही क्लास जाऊंगा। प्लीज फिर से मारिए भैया। ओके, तेरे इंटरेस्ट को क्यों खत्म करूं मैं? कैरी ऑन बॉयज, पोजीशन ले लो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, रेडी रेडी। अदिति चलो अंजलि, चलो ना, छोड़ दो मुझे, मेरी बात सुनो, मुझे पढ़ना है। अंजलि मेरी बात तो सुनो। अंजलि तुम पागल हो गए हो क्या, पढ़ने के लिए मार खा रहे हो? अंजलि मुझे एग्जाम देने जाना है। आज एग्जाम नहीं है, तुम्हें नहीं मालूम? व्हाट? हां वो पोस्टपोन्ड हो गया है। आदित्य अंजलि प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। रिलैक्स आदित्य, अकेला छोड़ दो। चाहता हूँ गीता, जिंदगी बेकार हो गई है। क्या हुआ रवि, तुम इतने डिसअपॉइंटेड क्यों हो? तो फिर मैं क्या करूँ गीता? रवि आदित्य ये चोट कैसी? वो मैंने पढ़ाई में इंटरेस्ट दिखाया तो सतीश ने मुझे बेसबॉल ट्रीटमेंट दिया। मेरी बात छोड़ो, लेकिन तुम मरने की बात क्यों कर रहे? मेरी लाइफ में सेटल होने पर इसके पिता हमारी शादी के लिए तैयार होंगे। लायर बनूंगा तो ही मैं लाइफ में सेटल हो पाऊंगा। ये सतीश मुझे पढ़ाई करने नहीं देता और मारता भी है, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता मेरी। यानी जान देने की सोच रहे हो तुम? रवि इंसान हर समस्या का समाधान ढूंढ सकता है, सतीश सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि सभी पढ़ने वालों के लिए प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, गेट रेडी फॉर लव ट्रीटमेंट। सर आदित्य, सुना है सतीश ने तुम्हें मारा? बिल्कुल सही, मुझे पढ़ने से रोका और मारा भी। अरे बचपन में तुमने पढ़ाई की खातिर मास्टर से मार खाई और अब फिर पढ़ने के लिए स्टूडेंट से मार खा रहे हो। ये सतीश का बच्चा पढ़ने वालों के लिए मुसीबत बन गया। वो सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि हर एक पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए मुसीबत है। उसी मुसीबत का छुटकारा सोच रहा हूँ और इसके लिए हमें आपका साथ चाहिए। डेफिनेटली, कम ऑन कम ऑन, मूव मूव मूव, कम ऑन दिस वे दिस वे, कम ऑन, ये पसंद पसंद पसंद, ये ए तू कंटिन्यू कर, चल। ओके ओके, गुड मॉर्निंग ब्रदर। इस तरह मुझे शक्ति निगाह से क्यों देखते हो ब्रदर? परसों आपने बेसबॉल ट्रीटमेंट दिया तो मुझे ज्ञानोपदेश प्राप्त हुआ, तो मैंने पढ़ाई को टाटा बोल दिया और एंजॉय करने के लिए अपने आप को तैयार किया। वेरी गुड। अरे बाप
रे। ये हाथ है क्या हथौड़ा? आहा, क्या पर्सनालिटी है ब्रदर। आपकी पर्सनालिटी देख के अब तक कितनी लड़कियां फिदा हो चुकी होंगी। फिदा होंगी क्या? अरे हमें क्या लेना देना। अरे इस तरह की बात क्यों सोचते हो ब्रदर? तुम हाँ कहो तो बहुत कुछ हो सकता है। लड़कियां अगर तुम्हें कॉलेज में देखेंगी तो जरूर रात को उनके सपनों में तुम आओगे। आऊंगा क्या? अब फिर भी ये लव वगैरह हमारे बस की बात नहीं है। बस की बात क्यों नहीं? तुम्हारी पर्सनालिटी कमाल है, प्यार आंखों से झलकता है। यानी इस पर्सनालिटी में भी लड़कियां फंसेंगी? क्या बात कह दी भैया। प्रोफेसर साहब, आपने इनकी आंखें देखी? बिल्कुल देखी, कमल के फूल की तरह खिली हुई है। अरे इन बालों को तो देखिए सर। वो भी देखा, अफ्रीका के घने जंगलों की तरह है। और ये फ्रेंच कट दाढ़ी देखी? वो भी देखी, भूरी बिल्ली की तरह है, लेकिन वीरता फेस पे झलक रही है। तो फिर लड़कियां इन पर क्यों नहीं मरेंगी? इसने कभी ट्राई नहीं किया होगा इसलिए नहीं फंसी। हाँ, हमारे ट्राई करने जैसा महत्वपूर्ण नहीं है ये। क्या बात करते हो भैया, शाहजहां ने ताजमहल किसके लिए बनवाया बोलो? मुमताज के प्यार में। नेपाल दीपेंद्र ने वीरेंद्र को किस लिए मारा? देवयानी के प्यार के लिए। कुली कुतुब शाह गंदी मुसी नदी में नाक बंद करके 3 किलोमीटर तक तैर के गया किसके लिए? भागमती के लिए। हाँ, रोमियो जूलियट का इतिहास तो सबको पता है, उसकी भी वजह प्यार। लैला मजनू को आज तक लोग भूल नहीं पा रहे, उसका कारण भी प्यार। ये दास्तान लोग आज भी देख रहे हैं, मतलब प्यार। यानी प्यार में इतनी महानता है क्या? इससे भी बहुत ज्यादा। असल में प्यार मोहब्बत की दास्तान इतिहास में है। अपने लॉ कॉलेज के नाम में थोड़ा हेर फेर करे तो लव कॉलेज बन सकता है। अरे तुम ये सब छोड़ो ब्रदर, जिसने प्यार नहीं किया उसने जिंदगी में कुछ पाया ही नहीं। तुम लोग प्रेम की परिभाषा इतनी अच्छी तरह दे रहे हो, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। वो भी प्रेम के लिए। प्यार को और पूरी तरह समझना हो तो हर तरह की प्यार वाली किताबें पढ़ो। हिंदी, उर्दू, मराठी, गुजराती भाषा के भेदभाव के बिना हर तरह की लव स्टोरी वाली फिल्में देखो। हाँ। और हर लव स्टोरी के हीरो तुम ही हो, ऐसा फील करो। उसमें खो जाओगे तभी प्रेम करना सीखोगे और प्रेम करने लगोगे। ओके, तो फिर आज से ही, अरे अभी से ही मैं प्रेम के अंदर घुस जाता हूँ, चलता हूँ। फंस गया पंछी जाल में। हाँ भाई, प्यार की इतनी अच्छी परिभाषा थी, क्या तुम भी किसी के प्यार के चक्कर में फंसे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी कभी तेरे को पिला दूंगा सिगरेट खरीद कर। अबे वो देख सतीश आ रहा है। गुड मॉर्निंग सतालिया। अरे ए लगी लगी लगी। अरे गुड मॉर्निंग बोला ही तो धक्का देके चला गया। अरे क्या हो गया इसको? ए चुप कर रे। इस लेसन को पढ़ने के बाद तुम सब कुछ सीखोगे 100% मार्क्स। हेलो गुरु, गुड मॉर्निंग। क्या भैया आज बड़े जोश में दिखाई दे रहे हो। यार तुमने जैसे खाता रात भर में जागकर प्रेम कहानियां पढ़ता रहा, लव सॉन्ग्स एंड फिल्म्स भी देखी, तब से मुझे कुछ कुछ हो रहा है। उल्टी आ रही है तो वॉश बेसिन के पास जाओ, और ये आ रही है तो बाथरूम में जाओ। ऐसी कोई बात नहीं है सर।
बस बहुत जोश भर गया मुझमें। ये सब लव स्टोरीज के इफेक्ट्स हैं। इफेक्ट्स हो सकते हैं, साइड इफेक्ट तो नहीं है ना। वैसे वो क्या है मैं देखूंगा। 8% की तरह सीने में दर्द हो रहा है क्या? हाँ सर बिल्कुल। अल्सर पेशेंट की तरह पेट में दर्द हो रहा है क्या? बीवी पेशेंट जैसा तुम्हारा खून दौड़ रहा है क्या? मेंटल पेशेंट की तरह अजीब अजीब हरकतें हो रही होगी? हाँ सर बिल्कुल। माइल्स के पेशेंट की तरह तुम्हें? सर अरे भैया मास्टर जी जो भी कह रहे हैं वो सारे लक्षण मुझमें हैं। तब तो तुम्हारा मन प्यार करने के लिए तैयार है? किससे प्यार करूं? मुझसे तो बिल्कुल नहीं प्रोफेसर। भैया बताइए ना किससे प्यार करूं? बताता हूँ किससे प्यार करना है। अगर कोई बताएगा तो वो असली प्यार नहीं कहलाएगा। किसी के बताए बिना कोई जाने बिना जो पैदा होता है वही होता है असली प्यार। ऐसा एक प्यार हर किसी के लिए हर एक के दिल में जागता है, लेकिन किसका किसके लिए ये बताना मुश्किल है। ये बात हम कैसे जानेंगे भैया? एक प्रेमी को किससे प्यार करना है महसूस करना हो या ये जानना हो तो एकांत में बैठ के आंखें बंद करके ध्यान लगाना होगा। जब तुम आंखों को बंद करोगे तब तुम्हारे सामने जाने पहचाने सुंदर मुखड़े घूमने लगेंगे। उनमें से जो तुम्हारी आंखों के सामने आके रुक जाए वही सुंदरी तुम्हारी लवर होगी। इस तरह लवर सिलेक्ट करके आ जाओ, बाद में क्या करना है मैं तुम्हें बताऊंगा। हाँ भैया। हाय पे मैं निसार हो गया, आंखें मिली जो तुझसे मुझे प्यार हो गया। आंखों में तेरा रूप है, होठों पे तेरा नाम, तेरे प्यार के सिवा नहीं है मुझको कोई काम। हाथों में यूं हाथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे, दिन रहे या रात रहे, प्यार के जन्म जन्म यूं ही रहे प्रीत अपनी प्यारी। चैन गया नींद भी गई, प्यार की है जादूगरी। साजना साजना मैं तेरे प्यार में खो गई, चैन गया नींद भी गई, प्यार की है जादूगरी।
एक दूजे के लिए ही यहाँ हम तो है बने, आ पास आके सुन ले मेरी दिल की धड़कने। मिल मिल के तेरी आँखों ने ऐसा किया कमाल, दिन रात तेरी यादें हैं तुम्हारा ही ख्याल। तू है जहाँ मैं हूँ वही, तू जो नहीं कुछ भी नहीं, उतर नहीं दिल से कभी प्यार की खुमारी। चैन गया नींद भी गई, प्यार की है जादूगरी। बैठे तो ऐसे ऐसे और सुनाती हूँ। अरे क्या हुआ? पहले को बताना होगा। अरे वाह क्या पिक्चर दिया, चल कर सो। और इसे क्या हुआ, इतनी तेज दौड़ता आ रहा है? सतीश इस तरह धक्का दे रहे हो, तुम्हें हुआ क्या? अरे ये सब तुम लोगों को बताना बेकार है। ब्रदर 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 तुम यहाँ हो, तुम्हें मैं पूरे कॉलेज में ढूंढ रहा था। ब्रदर तुमने जैसे बोला था रात को सपने में मैंने बहुत सी लड़कियां देखी, लेकिन वो सब गायब हो गई। आखिर में बस एक ही ब्यूटी मेरी नजरों के सामने बस गई। तुरंत उस लड़की को मैंने अपने नस नस में बिठा लिया, दिल में उतार लिया, चढ़ा लिया ही समझो। तब से मेरे बदन में खलबली मची हुई है, लव ही बोलने लगा है। चाहो तो मेरे दिल की धड़कने सुनो, लप डप कर रहा है। मेरी पलकों की आहट सुनो, लव को ही पुकारे होंगे। और बर्दाश्त नहीं होता, मैं जाके तुरंत उस लड़की को आई लव यू बोल देता हूँ। हमेशा स्पीड में चलते हो। ठीक है स्लो हो जाता, अब कोई और ओवरटेक करके उसे ले जाएगा। तुम हमेशा इसी तरह बोलते हो। अच्छा मैं बताऊँ वो लड़की कौन है? नहीं नहीं तुम कुछ मत कहो। देखो एक बात याद रखना, तुम इस जनरेशन में पैर फिसला तो कोई बात नहीं, मगर आदमी की जुबान से बात नहीं फिसलनी चाहिए। अपनी महबूबा से प्यार का इजहार करवाने तक किसी को पता नहीं लगना चाहिए। बदकिस्मती से अगर तुम्हारा प्यार फेल हो गया तो सब स्टूडेंट्स के सामने तुम फूल हो जाओगे और तुम्हारी लाइफ नेल कटर जैसी हो जाएगी। करेक्ट करेक्ट, लगता है ठीक कह रहे हो तुम। फिर मैं उस लड़की का दिल कैसे जीत सकता हूँ बताओ? देखो ब्रदर, जानते हो कोई भी लड़की कैसे लड़के से प्यार करना पसंद करेगी? जो लड़कियों को ना सताए, ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करे, लोगों की भलाई करे और सबको हमेशा खुश रखे। इसका मतलब वो लड़की मुझे कभी प्यार करेगी? क्यों नहीं करेगी, जरूर करेगी। तुम भले मानस बन जाओ, तुमसे वो लड़की जरूर प्यार करेगी। लेकिन तुम अच्छे काम करो तो लड़की को पता तो लगना चाहिए ना, वो तुम्हें जरूर दिल दे बैठेगी। समझ गया, आज से मैं अपने आप को पूरी तरह बदल दूंगा, इस कॉलेज को बदल डालूंगा। शुरुआत कॉलेज की सफाई से करता हूँ जिससे वो लड़की मुझे पसंद करना शुरू करेगी। चलो काम करो यार, आखिर तुमने टॉयलेट भी साफ करवाना शुरू कर ही दिया। तू अपना मुंह बंद रख और काम कर समझे। अरे जल्दी जल्दी आ चला यार। तुम्हें शर्म नहीं आती? पवित्र भारत देश में पैदा होकर इन लड़कियों को छेड़ते हो? I'm very sorry, my dear sisters. Sisters? हमें भी बोल रहे हो? बिल्कुल। यहाँ पर सब मेरी सिस्टर्स हैं। भैया, ए भैया, ऐसा मत बोलो, ये हरी वाली के साथ मेरा चक्कर चल रहा है। ऐसे फिर कहा तो मार डालूंगा। इन सबको अपनी माँ बहन ही समझो। माँ? उनकी तो शादी नहीं हुई, माँ के रूप में कैसे समझूं? शादी होने तक उनमें अपना बहन और शादी होने के बाद माँ का रूप देखो। सब लोग प्रतिज्ञा करो, भारत देश हमारी मातृभूमि, मातृभूमि, भारतवासी सब भाई है हमारे, ब्रदर्स, लेडीज हमारी सिस्टर्स, एक मेरी लवर को छोड़कर। बोलो। सतीश तो पूरा बदल गया। हाँ जी। लेफ्ट क्या भैया, हम परेशान हो रहे हैं। मार्च, हमें सब कुछ भक्त में करना चाहिए, उसमें सबसे पहले गुरु की इज्जत करनी चाहिए। हमें तो फाड़ना आता, शराफत हमें कहाँ आती है भैया बताओ। चुपचाप मेरे साथ चलो, नहीं तो मैं फाड़ दूंगा। मास्टर जी, हाँ? कहीं ये लोग हमें मारने तो नहीं आ रहे? बेहतर होगा हम लोग यहाँ से। मैं हूँ ना। अरे सुनो, इनके फोर्स को देखते हुए मुझे लगता है कि अगर इन्होंने मारना शुरू किया तो हड्डी भी नहीं बचेगी। चलो भागते हैं। संभाल लूंगा। अरे रुकिए तो सही। अरे ये क्या, इसने तो मेरे पैर ही पकड़ लिए, गुस्से में कहीं पैर ही ना खींच ले। अरे बेटा, जानबूझकर मैंने कोई गलती नहीं की, कृपया करके मेरे पैर छोड़ दो और मुझे माफ कर दो। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवा महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मय गुरुवे नमः। बेटा
ये श्लोक तुम्हें गा रहे थे? मैंने गाया से। आज से आप जो कुछ भी कहेंगे मैं वही करूंगा सर। मुझे आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद दीजिए प्रिंसिपल साहब, ऐसे हैरान क्यों खड़े हैं? दीजिए। ठीक है आशीर्वाद देता हूँ। हाथ हटाइए, इसी बहाने मुझसे भी आशीर्वाद ले ही लो। जल्दी दफा 302 को प्राप्त करो। वही शुभ कह रहा हूँ। माई डियर क्रिमिनल, सॉरी स्टूडेंट, इन क्रिमिनल कोर्ट डील विद ए कल्कबुल फोर्टी साइड ऑफ द इंडियन लॉ। इधर सुन, आगे की टिकट खरीद के अवार्ड फिल्म देखने जैसा लग रहा है मुझे ये। मैं नहीं सुन सकता, चलो चलते हैं। लेकिन अपना सतीश उस्ताद हमें जाने नहीं देगा। वो तो लेसन में बिजी हो गया, हम पर बिल्कुल ध्यान नहीं देगा। चलो चलते हैं। अरे भाई कहाँ चल रही? ओ तुम्हारा काम पियोन करेगा, बैठ जाओ यहाँ पे। बैठ जाओ। सतीश कितना शरीफ हो गया है, हर एक को संभालते हुए एक अच्छा स्टूडेंट हो गया है वो। तुम्हें कुछ और जानना है तो उसके लिए सेक्शन 299, 308 और 302 को अच्छी तरह पढ़ो। क्या आप लोग इसी शहर में? औरंगाबाद जाने वाली बस कहाँ से मिलेगी? 4 नंबर से। शुक्रिया। अरे खून देने आयो तो रो किस लिए रहे हो? मुझे खून देने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मेरा खून देने लायक नहीं है भैया। हाँ क्या हुआ? मेरा खून पान परा खा के खराब हो चुका है, सिगरेट पीकर उसमें धुआं भर गया है। इसे भूल जाओ, पूरा पेट खराब है। मैं अपना खून कैसे दे सकता हूँ भैया? मैं खून कैसे दे सकता हूँ? ऐसे अरे उसको देखो, पानी को कुएं से निकालने जैसन वो बॉडी में से खून निकाल रहा है। सेवा करने का मौका है, हमारा सतीश आजकल बहुत बदल गया है, तभी तो रक्तदान करवा रहा है वो। क्या करवा रहा है? आलू से आमलेट बनाने जैसा। तुम लोग भी बहुत अच्छा है, कह कह के उसकी तारीफ करो, एक दिन तुमको भी मजा चखाएगा। छेद वाला बड़ा खा के आज तक पैसा नहीं चुकाया है हमारा। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। यस। ये ब्लड कैंप मैंने अरेंज किया, किसी को मत बताइए। क्यों? मुझे पसंद नहीं है डॉक्टर, क्योंकि मैं जो कुछ भी करता हूँ लोगों को दिखाने के वास्ते बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है सर। प्लीज सर, दया करके किसी को मत बताइए। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हाय सतीश। हाय। ओ हाय। तुम सब कुछ सुना मैंने। यू आर रियली ग्रेट। तुम जैसा इंसान बस एक हो कॉलेज में। वो तो क्या है कि सुनामी से पीड़ित लोगों के लिए मुझसे जो हो सका इंसानियत के तौर पर वो मैं कर रहा हूँ, उसके लिए मेरी तारीफ मत करो। इस तरह सोचना ही अपने आप में एक बड़प्पन है। एनीवे, माय हार्टी कांग्रेचुलेशंस। वैसे तुमने खून दिया क्या? आओ हम दोनों मिलके ब्लड देते हैं। ब्रदर रुक जाओ। तो ये मुझे चैन से जीने नहीं देगा। तेरे वास्ते आया हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ ब्रदर। सॉरी ब्रदर, आज सुबह मेरी लवर मेरे पास आकर मेरा हाथ पकड़कर, उसने हाथ पकड़कर तुम जैसा बस एक ही हो तो काफी है, कहा ब्रदर। ब्रदर मैं तुरंत उसके पास जाकर आई लव यू बोल देता हूँ। तुम भी ना। मैं दरअसल जी, फिर शुरू हो गए तुम? फिर यानी? देखो, लाइफ में किसी भी चीज के लिए जल्दबाजी मत करो, स्पेशली लव के लिए तो बिल्कुल नहीं। क्यों? आई लव यू अगर उस लड़की की जुबान से तुम्हारे लिए आए तो समझ लो बाजी तुम्हारे हाथ में है। फिर प्रेम का प्रस्ताव
उस तरफ से लाने के लिए मैं क्या करूं? तुम्हें 3 महीने कॉलेज छोड़ना पड़ेगा और क्या? कॉलेज छोड़ दूं? ब्रदर 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 रुको ना, अरे ब्रदर रुको, 3 महीने? अरे बाप रे, 3 सेकंड में उस लड़की को देखे बगैर नहीं रह सकता। तभी तो कहता हूँ वो भी तुम्हारे लिए तड़पेगी और पूछेगी, हाँ टॉयलेट साफ जिसने किया वो महान स्टूडेंट कहाँ है, कॉलेज की दीवारों पर जितने छेद थे उन पर चूना लगाया वो सुंदर हैंडसम लड़का कहाँ है, कैंपस के कचरे को साफ करने वाला मेहनती विद्यार्थी आखिर कहाँ है, मेरा ड्रीम बॉय कहाँ है, ये तुम्हारी महबूबा पुकारेगी, 3 महीने के बाद जब तुम दिखाई दोगे तो सीधे आकर तुम्हें बाहों में भर लेगी। करेक्ट करेक्ट, तुमने बिल्कुल ही सही फरमाया, मैं जल्दबाजी में अगर उस लड़की से आई लव यू बोल देता तो मेरी लाइफ टाइटेनिक शिप जैसी हो जाती है। तुम मेरे लव गुरु, मेरे प्यार को मुझे दिलाने वाले लव गुरु, आज से तुम्हारी बात को मैं हमेशा मानूंगा, आज से मैं 3 महीने तक मैं अपने आप को इस कॉलेज से दूर रखूंगा। पढ़ाई में डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ठीक है, मैं बाद में मिलूंगा। वेरी गुड, तुम्हारे लिए तुम्हारी महबूबा आंखें बिछाए इंतजार करेगी। थैंक यू वेरी मच। और तुम्हारे लौटने तक एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे। हेलो आदित्य, कॉलेज में सब लोग तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहे हैं। जरा उधर देखो। हाँ हाँ देख रहा हूँ देख रहा हूँ। सारे स्टूडेंट्स तुम्हें अपनी इंस्पिरेशन बनाना चाहते हैं। संभल के। इट्स ओके, प्रिंसिपल लेक्चरर्स पूरे कॉलेज को ही बदल दिया, इसलिए तुम्हें सब हीरो समझ रहे हैं। इस कॉलेज में सब स्टूडेंट्स को तुम पर बड़ा अभिमान है, सभी तुम्हारी तरह सिंपल रहने की सोच रहे हैं। अंजलि, कॉलेज जाने का टाइम हो रहा है और तुम ये सब बातें करने के लिए यहाँ लाई हो? वैसे मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है बताऊँ? कैसे बताऊँ आदित्य? हाँ? वहाँ देखो क्या लिखा है। आई लव यू। अच्छा वहाँ? आई लव यू अंजलि। और वहाँ? आई लव यू। What? आदित्य, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। No, no! अंजलि, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम और मुझसे प्यार करती हो? आदित्य, क्या बात है? देखो, तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, इसीलिए मैं हमेशा तुमसे बात करता हूँ। बस, that's all. Please, ये लॉ की एग्जाम्स खत्म होने के बाद तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। We are just friends, that's all. आदित्य, वैसे भी मेरी जिंदगी में प्यार के लिए कोई जगह नहीं है। आदित्य, प्लीज लिसन। आदित्य, ऐसा क्यों बोलते हो? उस दिन तुमने वो प्यार का पाठ पढ़ाया था, जो प्यार नहीं करता वो इंसान ही नहीं कहलाता। Come on. उन बातों को सुनकर ही मेरे दिल में प्यार जागा था, और अब तुम ऐसे क्यों बोलते हो? तब की बात और थी। आदित्य, तब तो कॉलेज की भलाई के लिए मैंने ये सब बोल दिया था। सब भूल जा प्लीज, पढ़ाई मेरी जरूरत है और तुम मेरी जरूरत हो। डोंट बी अ फूल अंजलि, ये सब नामुमकिन है। क्यों? बस यूं ही। आदित्य, ऐसे मत बोलो, मुझे दुख होगा। तुम इनकार करो तो भी मैं प्यार करूंगी। आदित्य, आई लव यू, आई लव यू। आदित्य, आदित्य प्लीज, आदित्य। मेरी जिंदगी में भी प्यार करने का यही अंजाम है। मुझसे प्यार करके तुम सारी जिंदगी पछताओगी। हाय अदी। हाय, आज तुम्हारी फ्रेंड दिखाई नहीं दे रही। कॉलेज नहीं आएगी। नहीं आएगी? क्यों? मैंने कॉलेज चलने को कहा, उसने डांट कर भेज दिया। हाय। ओ, गुस्सा हो? बुखार के लिए तो टैबलेट होती है, सिर में दर्द हो तो टैबलेट होती है, गुस्सा आने पर उसे कम करने के लिए टैबलेट होती तो अच्छा होता ना। हे,
हाय डार्लिंग, यहाँ पर हो तुम? तुम परेशान लगती हो, क्या तुम्हें रोना नहीं आता, हंसना नहीं आता, प्यार करना नहीं आता? सुनो, एक कहानी सुनाता हूँ। कहीं एक गांव में एक सुंदर लड़की थी। हूँ कहो ना, क्या मोम की गुड़िया की तरह बैठी हो। बचपन में गुड़िया नहीं मिलने पर स्कूल जाना भी छोड़ दिया और खाना पीना भी छोड़ दिया। वो बचपना था इसलिए कोई बात नहीं, मगर बड़ी होने के बाद प्रेमी ने मना कर दिया, इसलिए खाना खाना और कॉलेज जाना छोड़ दोगी तो मुश्किल होगी ना, है ना? नहीं। जो लॉयर बनना चाहता है उसे लवर बनने के लिए मजबूर करना अन्याय होगा ना। लड़के के मन में क्या है ये भी तो जानना जरूरी है ना। पटरी पर चलने वाली रेलगाड़ी को रोड पे चलाओगी तो मुश्किल ही होगी ना। अरे ऐसे सर झुकाए क्यों खड़ी हो, सर उठाओ। तुम्हें एक बात पता है, पढ़ने वाला अगर प्यार के चक्कर में पड़ेगा तो गड्ढे में गिरेगा, क्योंकि प्यार भी फेल हो जाएगा और लाइफ भी फेल हो जाएगी। लड़के को अभी फेल नहीं होना है। और लड़की भी फेल हो जाए ऐसा वो नहीं चाहता। अब अगर लड़की कॉलेज छोड़ देगी तो उसकी वजह वही है सोच के लड़का भी कॉलेज छोड़ देगा, तो लड़के की लॉयर बनने की ख्वाहिश तो मिट्टी में मिल जाएगी ना। उस लड़के का करियर भी खत्म हो जाएगा। तुम उसकी भलाई चाहती हो तो कॉलेज आओ। आओगी ना? आओगी ना? चलो प्रॉमिस करो, प्रॉमिस करो, प्रॉमिस करो, प्रॉमिस। हर लम्हा तेरे साथ हूँ मैं, संग तेरे दिन रात हूँ मैं तेरा हमसाया, तेरे लिए जग में आया ओ यारा, तेरा सहारा। हर लम्हा तेरे साथ हूँ मैं, संग तेरे दिन रात हूँ मैं। निराली मैं लाऊंगा तेरे लिए रुतवो खुशियों वाली, धूप में छाया बन जाऊं साथ चलूं हर पल, दुआ करूं हो प्यारा सा आने वाला कल। सारे रिश्तों से अच्छी अपनी है ये दोस्ती, बांटेंगे हम मिलजुल कर सुख दुख की अब हर घड़ी। ओ यारा लम्हा तेरे साथ हूँ मैं, संग तेरे दिन रात हूँ मैं। तू मेरे समीप आ सखी, मन हुआ है बावरा सखा, कैसे मैं कहूँ मन की वेदना सखी।
तेरे साथ हूँ मैं, संग तेरे दिन रात हूँ मैं तेरा हम साया, तेरे लिए जग में आया ओ यारा। मैडम 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 प्लीज प्लीज मैडम एक दे दीजिए मैडम प्लीज, फिर दोबारा कभी नहीं मांगूंगा। अबे क्या मांग रहा था उससे? सिगरेट पीने के लिए एक रुपया भैया। अबे चुप कर ले। अबे सतीश को कॉलेज छोड़े 3 महीने हो गए हैं, तभी तो हमारी लाइफ ऐसी हो गई है। अरे वो देख सतीश आ रहा है। भैया ये अरे भैया भैया 3 महीने कहाँ गायब हो गए थे भैया? तुम्हारे बिना हमारी क्या हालत होगी भैया, जरा देखो तो सही हमारी ओर देखो। तुम्हारे बिना हमारा मन लगता ही नहीं था भैया, सब अजीब लगता था। हाँ भैया। अगर तुम्हें ऐसा लगा होगा तो उसे कैसे लगा होगा? किसको? मेरे दिल को। दिल, दिल को? को मेरा ड्रीम बॉय कहाँ है? ये तुम्हारी महबूबा पुकारेगी, 3 महीने के बाद जब तुम दिखाई दोगे तो सीधे आकर तुम्हें बाहों में भर लेगी। बाय। मुझे देखा नहीं होगा उसने, वो देखेगी तो भागते हुए आकर मुझे नजदीक लेकर बाहों में भर लेगी। सतीश। यस। हाय सतीश। अरे तुमने कॉलेज में आना की छोड़ दिया? मैं कॉलेज नहीं आया तो तुम्हें बहुत गुस्सा आया होगा, मुझे मालूम है। तुम नहीं आओगी तो मुझे गुस्सा क्यों? जानता हूँ तुम इसी तरह बात करोगी। व्हाट आर यू सेइंग? अब तुम गुस्सा करना छोड़ दो। इन 3 महीनों में हर क्षण हर पल हर मिनट तुमने मेरे बगैर कैसे गुजारा होगा मैं जानता हूँ। तुम मेरे बिना इतने दिनों तक तड़पती रही, वो दुख वो पीड़ा भूल जाओ। मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ फिर कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। जो कुछ मैंने किया उसके लिए माफी चाहता हूँ। कहो तो उठक बैठक करता हूँ मैं। सतीश, what is this? This is love, Anjali. तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैंने तुमसे प्यार कब किया? छी! अंजलि अंजलि, तुमने अगर सचमुच मुझसे प्यार नहीं किया तो कॉलेज में मैंने जो काम किया उसके लिए तुम मेरी तारीफ क्यों की? और कैंपस में ब्लड डोनेशन कैंप के दिन तुमने मेरा हाथ पकड़ा, इसका मतलब प्यार नहीं किया? इसका उसका मतलब छोड़ो, तुम्हारी जगह कोई भी होता तो मैं यही करती। नो। ओके आई एम सॉरी अंजलि अंजलि, ठीक है छोड़ दो अंजलि, तुमने प्यार नहीं किया तो क्या हुआ, एटलीस्ट अब मुझसे प्यार कर लो प्लीज। तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं सकता अंजलि। आई लव यू अंजलि। अंजलि लव यू। अंजलि आई लव यू। छोड़ो मेरा हाथ। अंजलि इडियट, तुम्हें एक भला आदमी समझती थी। छी, बिहेव योरसेल्फ। ये क्या भैया, इसी के प्यार में पड़कर तुम ऐसे हो गए हो? ये समझती क्या अपने आपको, तुम्हारे जैसा कभी इसको मिलेगा क्या? तुम प्यार की सोचो तो आसमान से परी भी उतर के नीचे आ जाए। ऐसे से प्यार करना छोड़ो, ये तुम्हारी सबके सामने बेइज्जती करके चली गई। आखिर हमारे भैया में कभी है ही क्या जो एक लड़की ने उनके ऊपर हाथ उठाया? कितनी शर्म की बात है ये, तुम्हारी हैसियत समझाती है, तुम्हें मारती है वो, उसकी इतनी हिम्मत। नहीं, अखिल राज को फोन करके एसिड बॉटल मंगवा लो। वेरी गुड, इसी तरह तुम कड़ी मेहनत से पढ़ाई करोगे तो फर्स्ट क्लास में पास होगे, जो तुम चाहोगे जरूर हासिल करोगे। ठीक है सर। आदित्य, अंजलि को सतीश क्लासरूम से उठाकर बाहर खींच के ले गया, क्या होगा पता नहीं, बहुत डर लग रहा है। आप प्रिंसिपल साहब को रिपोर्ट कीजिए, मैं उसे देखता हूँ। भैया भैया ये क्या हो रहा है? भैया भैया छोड़ दीजिए प्लीज 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 छोड़ दीजिए। तो किस लिए बीच में बोल रहा है? इससे मैं प्यार करता हूँ, अगर ये मेरी नहीं हो सके तो किसी और की नहीं हो सकती। आज मैं इसको खत्म कर दूंगा। भैया भैया प्लीज 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 छोड़ दीजिए प्लीज। भैया प्लीज, आप इतने दिनों तक अच्छे बन के रहे, अब अपनी जिंदगी खराब मत करो भैया। मैं इतना क्यों बदला तुम जानते हो? बस इसके वास्ते, और इसने हाथ उठाया मुझ पर, इससे बड़ा घमंड है अपनी खूबसूरती पर।
उसी खूबसूरती को आज मिटा दूंगा मैं। भैया एसिड। भैया प्लीज प्लीज भैया छोड़ दो उसे, भैया छोड़ दो प्लीज प्लीज, अपनी जिंदगी खराब मत करो भैया प्लीज, भैया मेरी बात सुनो भैया प्लीज, मेरी बात तो सुनो। अब पता चलेगा भैया एसिड है ये, दिख 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 ये देख। भैया ऐसा मत करो प्लीज, भैया छोड़ दो। एक चब्बे देखो इसको, ये अपने आप को बड़ी सुंदरी समझती है, कहती है मुझसे प्यार नहीं है। जेल से आते हो क्या तुम? खूनी हो? हाँ मैं खूनी ही हूँ, मैंने एक आदमी का खून किया था, उम्र कैद की सजा काटने वाला एक कैदी हूँ मैं। हाँ मैं खूनी हूँ, कातिल हूँ, लेकिन मैं धोखेबाज नहीं हूँ। मेरा भी दिल धड़कता है, उस दिल में प्यार ममता सब कुछ बसता है,
उन दिनों हम औरंगाबाद में रहते थे। अपनी माँ और बहन से मैं बहुत प्यार करता था। हमेशा अपनी बहन से खेलते हुए मजाक करते हुए रुलाता था। बहुत खुश थे हम। भाई बहन के प्यार को देखकर माँ बहुत खुश होती थी। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स। मेरी बहन हमेशा मुझे बाहर जाते वक्त विदा करती थी। अगर वो ना हो तो मैं बाहर ही नहीं जाता था। हमारे पिताजी ने हमको बड़ी अच्छी शिक्षा दी थी। उनके संस्कार बहुत ऊंचे थे। हम उनसे बहुत डरते भी थे, फिर भी हमारा परिवार बहुत खुश था। मैं अपने कॉलेज के दिन कभी नहीं भूल सकता। मेरे दोस्त शरारती शैतान थे, मगर दिल के बड़े अच्छे थे। इतने दिन साथ गुजारने के बाद आज बिछड़ते हुए बहुत ही दुख हो रहा है। पढ़ाई के वास्ते माँ के आंचल की तरह जुदाई भी बर्दाश्त करनी होगी। ये पढ़ाई पूरी करने के बाद जब हम कॉलेज को छोड़ के जाएंगे तो दुखी तो होंगे ही, लेकिन हम वादा करते हैं कि जहाँ भी रहेंगे फोन पे टच में रहेंगे। हाँ दोस्त, कल से हम हमेशा फोन पर बातें करते रहेंगे। अरे कल की बात छोड़ो, आज फेयरवेल पार्टी में तो मिल ही रहे हैं, सबको आना होगा। हम सब यहाँ पे कल सब बिछड़ जाएंगे, मस्ती शरारत भरे सारे लम्हे याद बहुत आएंगे। We miss all the fun, we miss all the joy, we miss you. We miss all the fun, we miss all the joy, we miss you. सताना मनाना रुलाना वो मस्तिया, एक दूसरे से वो मिलना मिलाना थे दिन कितने प्यारे जवान। सोने से जैसे थे दिन सारे अपने, वो चांदी सी हर रात थी। सबकी निगाहों में हाँ सबकी आंखों में सपनों की बारात थी। होठों पे सबके मचलता तराना, बस झूमना नचना और गाना। यादों का कितना बड़ा कारवां है, हाँ सबसे प्यारा वो प्यारा जमाना। कैसे भूल जाए कोई वो सुहाने पल, चाहोगे भुलाना तो याद आएंगे। बरसों रहे साथ हम सब यहाँ पे, कल सब बिछड़ जाएंगे। मस्ती शरारत भरे सारे लम्हे याद बहुत आएंगे। टीचर ने हमको सताया उन्हें याद रखेंगे, रागिनी मिस की वो सारी नसीहत कभी ना भूलेंगे। वो पीटी सर का हमें दौड़ाना हम याद रखेंगे, वो हिंदी सर का कविता पढ़ाना कैसे भूलेंगे।
गाहे जवां थे नजारे, पैरों तले पीछे थे चांद तारे, आंखों ही आंखों में होती थी बातें, पढ़ाई लिखाई के मौसम में प्यारे। कैसे भूल जाए कोई वो सुहाने पल, चाहोगे भुलाना तो याद आएंगे। पिताजी, मेरा रिजल्ट आ गया। हमारा बेटा फर्स्ट क्लास में पास हुआ है। तो क्या हुआ, पूरे स्टेट में फर्स्ट तो नहीं आया ना? फर्स्ट क्लास ही तो है, हजारों लोग पास होते हैं फर्स्ट क्लास में, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एनीवे, ये लो उसके लिए स्वीट्स। इंजीनियरिंग में रैंक लाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा पिताजी। ये नामुमकिन है क्योंकि तुम्हें लॉ पढ़ना है। लॉ नहीं पिताजी, मैं तो इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता हूँ। मैं तुझे लॉयर बनाना चाहता हूँ। जानते हो ना मेरे पिताजी कितने बड़े लॉयर थे, मैं तुम्हें लॉयर बनाऊंगा ऐसा मैंने उन्हें वचन दिया था। लेकिन इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग की बात को भूल जाओ। ये क्या पिताजी, लॉ पढ़ना पसंद नहीं भैया को? देखिए, अगर आप रोटी मांगे और मैं आपको चावल दे दूं तो आपको कैसा लगे? खाना और पढ़ाई दोनों अलग अलग विषय हैं, दोनों की एक दूसरे से तुलना मत करो। आज की पढ़ाई कल का भविष्य है। हम जो आज पढ़ेंगे वो हमें कल खाना खिलाएगा। यानी लॉ पढ़ने से खाना नहीं मिलेगा? लॉयर सब खाना नहीं खाते क्या? चुपचाप जो बोला है वो करो। ये लो लॉ की एप्लीकेशन, तुम लॉ ही पढ़ोगे, तुम मेरे और मेरे पिताजी की इच्छा को पूरी करोगे, दैट्स ऑल। लॉ पढ़ना बेकार है। भैया, भैया, हॉल टिकट तो भूल ही गए। तुम एक और चीज भूल गए। क्या है? एग्जाम जाने से पहले हमेशा मुझे देख के ही जाते थे। लॉ पढ़ना पसंद नहीं है तो तुम्हें देख के भी क्या फायदा? जाओ जाके अपने पिता को शक्ल दिखाओ। भैया, तुम मेरे और मेरे पिताजी की इच्छा को पूरी करोगे, दैट्स ऑल। सॉरी, इट्स ओके। शादी लगता है। ओ, पहले हम, फिर तुम, बस एक घंटे बाद तुम्हारी बारी, ओके? ए, चल रहा तितली, चल। छोड़ दो
पिताजी, ऐसे बुलाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने क्यों किया ऐसा काम? छी, ऐसी औलाद होना ना होना एक बराबर है। क्या है कि पिताजी? चुप कर। अरे गरे काम करने वाले तुम जैसे को अपने औलाद बोलने में मुझे शर्म आती है। वही रुको तुम। गलती करने के बाद उन्हें छुपाने की कोशिश करने वालों से मुझे। उसने ऐसा क्या कर दिया जी? क्या किया इसने? मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाने के लिए ये पैदा हुआ है। इसको लॉयर के रूप में देखने के लिए मैंने कितने सपने देखे। अरे मैं अपने बेटे को ला पढ़ा रहा हूँ, ऐसे सबको बड़े गर्व से बताया मैंने, लेकिन इसको देखो, इसने तो परीक्षा तक भी अटेंड नहीं की। कितना बड़ा धोखा दिया है मुझे। एंट्रेंस का एग्जाम दे रहा हूँ बोल के भरोसा दिया, उसमें फेल हो गया बोल के लॉ की पढ़ाई से बच निकलूंगा सोचकर इसने मुझे धोखा दिया। छी, इसने पिता को चीट करना चाहा। मुझे ऐसे बेटे से नफरत हो गई है, मेरे लिए मर चुका है। अब ये जो भी पढ़ना चाहता है वो पढ़े, लेकिन मुझसे बात करने की जरूरत ना करे। मेरे एग्जाम्स न देने पर पिताजी इतने नाराज हो गए तो अनजाने में खून कर दिया, ये पता चलेगा तो? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। कुछ नहीं। इतने परेशान हो और कहते हो कुछ नहीं? ओ, पिताजी ने डांटा इसलिए? अरे उनका गुस्सा तो ना मात्र है। ये बात नहीं है भैया, तुम्हें पसंद नहीं इसलिए तुमने नहीं लिखा। भूल जाओ सब कुछ, चलो खाना खाते हैं। तुम जाओ यहाँ से, मुझे भूख नहीं है। थोड़ा बहुत खा लो ना भैया। एक बार कह रहा, मुझे भूख नहीं है, समझते नहीं हो क्या? जाओ, जाओ यहाँ से, हट। हे बेना, सॉरी, प्लीज, आइंदा तुझे कभी नहीं डांटूंगा, मुझे माफ कर दे प्लीज। ओके। सुबह जाते वक्त तू मुझसे मिली नहीं ना, इसीलिए ये प्रॉब्लम आई। जब भी तेरी सूरत देखकर बाहर गया हूँ, कामयाब हुआ हूँ। आज पहली बार ऐसा हुआ। चुप हो जाओ भैया, चुप हो जाओ, भूल जाओ ना, परेशान मत हो। आज से तुम जब भी बाहर जाओगे मैं तुम्हारे सामने रहूंगी, ओके? आओ ना भैया, खाना खाते हैं, चलो। खाने को तिरस्कारना ये कैसी जिद है? बेटा, तेरे पिताजी ने तुझे गुस्सा किया और तू खाने पे गुस्सा हो रहा है? अरे इसने तेरे बगैर कभी खाना खाया है? बोल, ये ले। आज मैं भैया से भी ज्यादा खाना खाऊंगी। बिल्कुल बेटा। माँ, मैं बचपन से लेके आज तक कभी तुम लोगों से अलग नहीं हुआ ना माँ। हाँ सही कह रहे हो, अब तुम ये सब बातें क्यों कर रहे हो माँ? मैं तुम सबको अरे बहुत चाहता हूँ माँ। तुम्हें किसने ना कहा बेटा? पिताजी ने। तुम्हारे पिताजी के गुस्से को ठंडा करने के लिए एक काम करो, तुम्हारा कल जन्मदिन है ना, सुबह जाकर जबरदस्ती उनके पैरों पर गिरकर आशीर्वाद दो बोलना, बस तुम्हारे पिताजी का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। प्यार से तुम्हें आशीर्वाद देंगे और बात करेंगे तुमसे, ठीक है?
यही ठीक रहेगा, पिताजी को बता दूंगा। Many happy returns of the day, भैया। ऐसा मनोज दिन मेरी जिंदगी में दोबारा नहीं आना चाहिए। क्या भैया, क्या सोच रहे हो? हाँ, कुछ नहीं, बारिश होने वाली है, रंगोली का कलर ना मिट जाए। भैया, बारिश होगी ये सोच के हम रंगोली बनाना छोड़ देंगे क्या? ये बरसना और बादलों का गरजना पिताजी के जैसा है। बारिश होने के बाद गरजते बादल भी शांत हो जाते हैं, यही हाल पिताजी का भी है। गुस्सा थूक देंगे और हम सब मिलके तुम्हारा बर्थडे मनाएंगे। ठीक कहती। हैप्पी बर्थडे बेटा, 100 साल जुग जुग जियो। बेटा जन्मदिन पर यासू कैसे? आज तुमको खुश रहना चाहिए। रुको। जो हुआ उसे भूल जाओ, अपने पिताजी के पास जाकर उनसे आशीर्वाद लो। जाओ जाओ बेटा। पिताजी, पिताजी, आज मेरा जन्मदिन है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तुम बहुत बड़े हो गए हो, तुम्हें आशीर्वाद देने के मैं लायक नहीं हूं। पिताजी, आपको पता है मैंने एंट्रेंस एग्जाम क्यों बोला था ना? मत सताओ मुझे। मेहरबानी करके मेरी बात तो सुनिए, एंट्रेंस एग्जाम ना देने से भी बड़ा गुनाह किया है मैंने। क्या किया तूने? जीवो जीवो, मेरे हाथों किसी का खून हो गया है। ये क्या बोल रहे हैं तू? हाँ पिताजी, मुझसे खून हो गया है। जब मैंने एक लड़की की इज्जत बचाने की कोशिश की तो काफी मारपीट हुई और उसी हाथापाई में मुझसे खून हो गया। ये क्या? मैंने जानबूझ के नहीं किया। तुम खून कैसे कर सकते हो बेटा? माँ, माँ। आदित्य, ये झूठ है। ये झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है ना बेटा? झूठ ही होता तो अच्छा होता माँ। मैंने ये जानबूझ के नहीं किया माँ। आवेश में आकर, आवेश में आकर मुझसे ये हो गया माँ। माँ, माँ, मैं अपनी बहन की कसम खाता हूँ, मैंने मैंने ये जानबूझ के नहीं किया माँ, जानबूझ के नहीं किया मैंने माँ। ये क्या, ऐसे गुमसुम हो गए? उसने यूं ही आवेश में कर दिया है। उसे उसे मेरे भाई के घर भेज देते हैं जी। तब तक आप किसी लॉयर से बात कर लीजिए ना। हाँ पिताजी, आप भैया को किसी तरह बचा लीजिए। बोलते क्यों नहीं? अपने बेटे को हमें किसी भी तरह बचाना है। आप ये क्या कर रहे हैं? सुन, आज तेरा जन्मदिन नहीं है, मरण दिन है तेरा। आज मेरी इच्छाओं और आशाओं का खून हुआ है, तेरा जिंदा रहना भी बेकार है। कोर्ट में तुमको लायर के रूप में देखना चाहता था, ना कि इस तरह खूनी के रूप में। लोगों की जुबान से लॉयर का पिता कहलवाना चाहता था मैं, लेकिन इस तरह खूनी का बाप नहीं कहलवाना चाहता था। समझ क्यों नहीं रहे? उसने ये सब सिर्फ एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए किया है। तुम चुप करो, लाखों पुलिस वाले और हजारों पुलिस स्टेशन से यहाँ किस लिए है? जनता और कानून को बचाने के लिए ना। इस देश में हर रोज कहीं ना कहीं खून हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, उन सबको भी यही बचाएगा? देखो अपनी बहन की तरफ देखो, अब कौन इसके साथ शादी करेगा? तुमने जो काम किया है उससे इसका जीवन बर्बाद हो गया है। अच्छा सिला दिया तुमने अपनी बहन को। पिताजी, मुझे अपनी शादी की परवाह नहीं, भैया को किसी तरह बचा दीजिए। बचाने के लिए इसने कोई मामूली काम नहीं किया बेटी, खून किया है इसने। अरे अब खड़े खड़े क्या देखते हो? इस घर की मर्यादा भी बाकी है, तुम्हें पुलिस वाले घसीट के ले जाए, इससे पहले तुम यहाँ से दफा हो जाओ। तुम्हारा बाप होने के नाते मैं वो नजारा देख नहीं पाऊंगा। जाओ, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। अगर माँ बाप का नाम पूछे तो कहना कि मैं लावारिस हूँ। अपनी शक्ल अब हमें फिर कभी मत दिखाना। पिताजी, अब जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करूंगा, लेकिन मुझे घर में वापस ना आने के लिए मत कहिए पिताजी। मैं आप सबको देखे बिना नहीं जी सकता, नहीं जी सकता पिताजी, नहीं जी सकता। Get out! पिताजी, 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 सुनिए तो सही। बेटा आदित्य, भैया आदित्य, सुनिए भैया, आदित्य से आप बुलाइए। रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, आदित्य, भैया रुक जाओ, ये उसे रोकिए ना, पिताजी, भैया, बेटा, आदित्य, भैया, उसे रोकिए ना, वो जा रहा है, भैया उसे बुला लीजिए, पिताजी रोक दीजिए, भैया आदित्य, आदित्य, भैया, पिताजी भैया जा रहे हैं, प्लीज रोक दीजिए।
अक्सर ऐसा होता है कि गलती करने वाला बच निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तुमने जो गलती की है उसे कबूल किया है। आई अप्रिशिएट यू। हम उस लड़की के पास जाकर उसका स्टेटमेंट लेते हैं। जीपनी बाबू, तुमने खून उस लड़की को बचाने के लिए किया था, इसलिए तुम्हारी सजा कम होने के चांसेस भी हैं। आगे तुम्हारी किस्मत, लेट्स गो। ये क्या बोल रहे हैं आप? मेरी बेटी को बचाने के लिए इसने किसी का खून किया? अरे कल पूरा दिन मेरी बेटी घर में ही थी, बिल्कुल बाहर नहीं गई वो। सर, क्या है कि कुछ गुंडों ने आपकी बेटी की इज्जत लूटने की कोशिश की, इसने उसे बचाया, ऐसा इसका कहना है। यानी कोई कुछ भी बोलेगा तो आप मेरे घर में आके पूछताछ करेंगे क्या? ये बात सर, दुनिया वालों को मालूम पड़ेगी तो मेरी इज्जत का क्या होगा? सर प्लीज सर, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। क्या क्या सच बोल रहे हो तुम? क्या सच बोल रहे हो? ऐसे मेरी बेटी के बारे में बोलते जा रहे हो तुम? सर छोड़िए ये सब, बेहतर होगा आप अपनी बेटी को बुला के हकीकत सामने लाएं। ठीक है ललिता, बेटी ललिता। अरे ये क्या बेटी, ये तुम्हारे बारे में क्या क्या बोल रहे हैं आप? रुकिए सर, मिस ललिता आप इसको जानती है? मैं नहीं जानती, मैं इन्हें पहली बार देख रही हूँ। सर 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 ये झूठ बोल रही है सर। अरे मैंने कल आपको गुंडे जब परेशान कर रहे थे तो बचाया था, और उसी आता भाई में मुझसे खून हो गया था। आपकी आंखों के सामने तो सब कुछ हुआ था। प्लीज सच बताइए प्लीज। मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। सर सर ये लड़की झूठ बोल रही है सर। सर मैं बात करता हूँ। देखिए क्यों बे, पुलिस वालों से खिलवाड़ करता सर, है? नहीं 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 सर, तुमने खून किया और अब नाटक करके अपने आप को बचाने के लिए हमें बेवकूफ बना सर, रहे हो। सर नहीं सर नहीं, मैंने तुम्हें एक भला मानस समझ के तुम्हारी बड़ाई सर, की। सर मेरी बात तो सुनिए सर। आदित्य नाम के इस दोषी ने शेखर नाम के आदमी का पूरे होशो हवास में खून किया, ऐसा कोर्ट मानती है। आईपीसी सेक्शन 302 के मुताबिक इस गुनहगार को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। औरंगाबाद जेल से मेरा तबादला यहाँ किया गया। अपनी प्यारी बहन और माँ से मैं दूर हो गया। पिताजी की इच्छा पूरी करने के लिए लॉयर बनूंगा तो अपने परिवार को खुश कर सकता हूँ, ये सोच के बड़ी मेहनत से लॉ की पढ़ाई शुरू की। यस आई विल बिकम अ लॉयर। यहाँ के जेल सुपरिंटेंडेंट बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने जब उन्हें अपनी लॉ पढ़ने की वजह बताई तो उन्होंने मेरी लगन को देखते हुए मुझे स्पेशल परमिशन दिलवाई। तभी मैं बाहर कुछ खाता नहीं था। शाम 6 बजे मुझे हर हाल में जेल वापस जाना होता है। इस तरह सुपरिंटेंडेंट साहब की मदद से मैं एक कैदी होते हुए भी इस कॉलेज में आकर लॉ पढ़ने लगा। तुम लोगों की तरह अपनी माँ का स्वादिष्ट खाना नहीं खाता हूँ। खुशी हो या गम एक जैसा ही है। तुम्हारी तरह अपनों का साथ बिल्कुल नहीं है, बस अकेलापन है। मैं तुम्हारी तरह पिता की कमाई से पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। तुम लोगों की तरह मेरा घर नहीं है जहाँ कोई मेरा इंतजार कर रहा हो। फिर भी मैं इतनी मेहनत करके पता है क्यों लॉ पढ़ रहा हूँ। लॉयर के रूप में मेरे पिताजी मुझे देखना चाहते हैं। जो तुम चाहते हो माता पिता तुम्हें देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि कॉलेज में तुम पढ़ते हो और तुम उस पढ़ाई को छोड़ के गुंडे और मवाली बनते जा रहे हो। सतीश, अगर तुम अंजलि के ऊपर एसिड फेंकते तो तुम्हारी जिंदगी जेल में कटती। गुस्से में आकर करने वाली गलती के कारण मेरी तरह तुम्हारी जिंदगी भी तबाह हो जाती, इसीलिए तुम पर हाथ उठाया। छोड़ दो सतीश, ये सब छोड़ दो, छोड़ दो। हमें ये गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें तो इस मंदिर जैसे कॉलेज को अपने खून पसीने से और पवित्र बनाना है। हम स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स ही रहेंगे। प्लीज मेरी बात मानो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। प्लीज स्टूडेंट के नाम पे हमने इतने कुकर्म किए हैं, हमें माफ कर दो। आई एम सॉरी अंजलि, हम चाहे कुछ भी करें कौन पूछेगा इसी अहंकार से, बहुत गलतियां की। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आदित्य, आज से तुम जैसे कहोगे वैसे ही करूंगा। तुम जैसे बनूंगा मैं अपने माँ बाप के सपनों को साकार करूंगा। इट्स अ प्रॉमिस। सतीश, दो घंटे से इतनी वेट करके मेरे सिर में दर्द शुरू हो गया, लेकिन ये लिखे संपत्त नहीं आया। एपी के पास आने से बिल्कुल ऐसा ही होता है डॉक्टर साहब, कंट्रोल योरसेल्फ। क्या कंट्रोल योरसेल्फ, सिर में दर्द शुरू हो गया। हेलो डॉक्टर सूरज प्रकाश है क्या? मैं डॉक्टर ब्रह्मानंद बोल रहा हूँ। हाँ वही जी, खूब उल्टियाँ, लूज मोशन, सिर में दर्द हो रहा है जी। मैं कौन सी टैबलेट लूँ? एस्प्रो टैबलेट लूँ? नहीं एनासिन लूँ? नहीं तो फिर कौन सी लूँ?
सारी डोल ले लेता हूँ। ओके 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 ओके। सुनिए डॉक्टर ब्रह्मा, आप खुद डॉक्टर होते हुए भी दूसरे डॉक्टर से फोन करके क्यों पूछ रहे हो? देखो, अपनी बीमारी का खुद इलाज करना हमारी परंपरा में ही नहीं है। आई सी। हेलो, इंजीनियर अली स्पीकिंग। क्या मेरे घर का प्लान रेडी हो गया क्या? ओह वेरी गुड वेरी गुड, मैं कल आके ले लूंगा जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या इंजीनियर अली साहब, अपने घर का प्लान किसी दूसरे इंजीनियर से क्यों बनवा रहे हैं? खुद अपने घर का प्लान बनाना हमारी परंपरा नहीं है डॉक्टर ब्रह्मा। सर, डॉक्टर ब्रह्मानंद और इंजीनियर अली साहब आपके लिए 4 घंटों से वेट कर रहे हैं सर। करने दो यार, ये उनकी आदत ही तो है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सबको नमस्ते। कैसे आना हुआ? तिरुपति क्यों जाते हैं? दर्शन करने या मुंडन करवाने? चुप करो, भगवान से मन्नत मांगने। भैया, उस रोज आपने क्वेश्चन पेपर लीकेज करवाया और मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया और बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोल के खूब पैसे कमा रहा हूँ। रोज तुम कितने को ऊपर पहुँचाते हो? क्या तो ज्यादा से ज्यादा 3-4 बार। फैमिली प्लानिंग जैसे तुम जनता प्लानिंग करके देश को सुधार रहे हो। सब आपकी मेहरबानी है। अरे लाओ भाई। ये हमारी तरफ से सर। थैंक यू। मकान के बारे में जो कुछ नहीं जानता उसे आपने पेपर लीकेज करके इतना बड़ा इंजीनियर बना दिया। अब मैं बड़े अपार्टमेंट ही बना रहा हूँ। यहाँ अपार्टमेंट्स बना रहे हो और वहाँ टूटने भी लगे हैं। गुजरात में जो भूकंप आया था ना, उसके थोड़े बहुत झटके भी आए थे। गुजरात में भूकंप आने से यहाँ अपार्टमेंट्स टूटेंगे क्या? अजी, जरा तुम रेत में कभी कभी सीमेंट भी मिला दिया करो ना भैया। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। अरे भैया, तुम लोग पढ़ाई में वीक थे, फिर भी मैंने पेपर्स लीक करवा के तुम लोगों को डॉक्टर और इंजीनियर बना दिया। सर, अपनी इज्जत तो रखा करो भाई। तभी तो सर आपका सम्मान करने आए हैं हम लोग। चलो, लीकेज लीडर संपत राय जिंदाबाद। लीकेज लीडर संपत राय जिंदाबाद। बड़े साले को गुजरात ने एक फ्लाइवर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है ना, वो इस इंजीनियर से बनवाए तो कैसा रहेगा? सीमेंट ही बना दूंगा प्रॉमिस। तब जरूर मुझे हार्ट अटैक आएगा। हार्ट अटैक क्या? आने दो दोस्त को, मैं संभाल लूंगा। अरे लगता है कुछ हार्ट अटैक आ गया। चलो चलो, मैं कम इन सर। आइए आइए राघव जी, आप जैसे सिंसियर ऑफिसर औरंगाबाद से मुंबई ट्रांसफर होकर आए हैं, ये मेरे लिए खुशी की बात है। इट्स माय प्लेजर सर। मैं यूनिवर्सिटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। थैंक यू सर। एमसेट के पेपर्स लीक होने से स्टूडेंट्स काफी परेशान हो गए हैं, लेकिन आप एमसेट कमेटी में रहेंगे तो हमें कोई डर नहीं। अच्छा, आपकी फैमिली कब तक शिफ्ट हो जाएगी? बस अच्छा मकान मिल जाए तो तुरंत उन्हें बुला लूंगा सर। वाओ, ये जेल नहीं, मुझे तो ये कॉलेज लगता है। पहले ऐसा नहीं था बेटी, लेकिन आदित्य के आने के बाद यहाँ का नक्शा ही बदल गया। आदित्य वो कौन है सर? एक प्यारा सा कैदी जो कि यहाँ पर सबका अपना है। ठीक है, अब 15वें अध्याय का पाठ पढ़ो। देखो ये जो 4 श्लोक यहाँ पर है। जानती हो बेटी, उसके पढ़ाने से कैदी लोग सुधरते जा रहे हैं, उसके कारण ही मैंने जेल में स्कूल भी बनवाया। ये उसकी बदनसीबी है जो वो जेल में आया, लेकिन हमारी खुशनसीबी है। आओ मिलवाता हूँ। तो अब हम 16वां अध्याय पढ़ेंगे, ठीक है? नमस्ते। नमस्ते। गुड मॉर्निंग सर। आदित्य, आउटलुक मैगजीन से इंटरव्यू करने के लिए एक लड़की आई है, मैंने सोचा कि तुम्हारा इंटरव्यू वो पहले ले। बेटी तुम? ये है जर्नलिस्ट। सर ये लड़की कोई जर्नलिस्ट नहीं है, ये तो मेरी क्लासमेट है। हाँ एसपी साहब, जेल में आदित्य कैसे रहता होगा वो देखने के लिए आउटलुक मैगजीन की जर्नलिस्ट हूँ, ऐसा झूठ कहा मैंने? इस तरह से झूठ बोलकर जेल में आना बहुत बड़ी गलती है, जानती हो? मैं जानती हूँ सर, उसकी सजा मुझे दोगी तो मैं भी जेल में आने की इच्छा जाहिर करूंगी सर। अगर वो मान जाए तो खुशी खुशी आदित्य के साथ रह जाऊंगी। हे अंजलि, तुम यहाँ पे फिजूल की बातें मत करो। सर इसे बाहर भेजिए। सर बाहर भी कर दूंगा, अरे कॉलेज आने का वक्त हो गया, तुम जल्दी तैयार हो जाओ। आओ। ए आदित्य, मेन गेट पर इंतजार करूंगी। तेरे वास्ते आई ना वो लड़की? अरे ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। अरे भाई, अरे कहा ना मैंने ऐसा कुछ नहीं है। झूठ के बोल रहा है। क्यों मेरा सर? वाह तुम तो बहुत चालाक निकली। अच्छा तुम मेरे कैदी से प्यार करती हो ना? जी। मगर वो तुमसे प्यार नहीं करता, सही बोला ना? बिल्कुल। जिसको प्यार किया उसे सजा होने वाली है, जानते हुए भी उससे मिलने के लिए तुम जेल में आई। इससे पता चलता है कि तुम्हारा प्यार कितना स्ट्रॉन्ग है। तुम बस ऐसे ही प्यार करती रहो, देखना एक ना एक दिन वो तुम्हारे प्यार में पागल हो ही जाएगा। मदित्य गोत्र, नाम क्या बताया बेटी? आदित्य। ये क्या मेरे नाम से, यहाँ मेरे नाम से अर्चना हो रही है? स्वाति भगवान, मेरे भैया तुरंत घर वापस आ जाए भगवान। मेरी बहना, बहन, भैया, मेरी बहन,
सोते, माँ माँ कैसी है? बिल्कुल ठीक है भैया, कितने दिनों के बाद मिले हो। आज तुम्हारा जन्मदिन है ना, इसीलिए पूजा करवाने आई थी। हैप्पी बर्थडे। अरे मेरे जन्मदिन पर मुझे याद करने वाला परिवार यहाँ है, ये जानकर मुझे बेहद खुशी हुई। जिस दिन तुम लोगों से दूर हुआ था उस दिन भी मेरा जन्मदिन ही था। कितनी खुशी की बात बताई, जिसे हमने जन्मदिन पर खो दिया था वो अब फिर से उसी के जन्मदिन पर मेरा बेटा मिल गया। बेटी मुझे उसके पास ले चलो। लक्ष्मी खाना बन गया? हाँ जी बना रही हूँ, बस 10 मिनट में परोसती हूँ। तुम जल्दी करो माँ, तुम्हें साथ ले आऊंगी, केके भैया को प्रॉमिस किया है मैंने। पिताजी को पता चले बिना जल्दी चलते हैं हम। ठीक है बेटी, आज उसे मैं अपने हाथों से उसकी मनपसंद रसमलाई खिलाऊंगी। हे भैया सुनो, रवि क्या हुआ क्या हुआ? मेरी माँ और बहन मुझसे मिलने आ रहे हैं। चलो चलो चलो। बड़े भैया मेरी माँ और बहन मुझसे मिलने आ रहे हैं। चलो चलो चलो। जानते हो मेरी माँ से मिले हुए मुझे 2 साल हो गए हैं। अरे अभी तक आए क्यों नहीं? अरे रुको आ रहे हैं ना। लक्ष्मी मरे हुए बेटे का जन्मदिन मनाने आई हो? सुनिए इस तरह मत बोलिए, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। उसने जो कर्म किया उससे मेरा सर उठने लायक नहीं रहा, ये कैसे बर्दाश्त किया तुमने? उसने जो गलती की उसकी वजह से मैं हर पल घुट घुट के जी रहा हूँ, ये कैसे सहन किया तुमने? आगे कुछ मत बोलो, चुपचाप मेरे साथ चलो। पिताजी बस एक बार भैया से बात करने तो फिर चले जाएंगे, हम यहाँ तक आए हैं, माँ की भी बड़ी इच्छा है मिलने की। प्लीज पिताजी सुनिए, उससे एक बार बात करूंगी जी, आज तो उसका जन्मदिन है, प्लीज मान जाइए, मान जाइए ना प्लीज पिताजी। ये देखो आदित्य, तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट आया। छोड़िए सर, मुझे मेरा जन्मदिन कभी रास नहीं आता। उस जन्मदिन पर मेरा परिवार मुझसे दूर हो गया था, इस जन्मदिन पर वो पास आते आते बहुत दूर चले गए। रो मत आदित्य, इतने दिन तुमसे बिछड़ कर जो आज यहाँ तक पहुंचे हैं तो जरूर 2-4 दिनों में तुमसे मिलकर गिले शिकवे भी दूर करेंगे। छे, तुम जन्मदिन पर यूं आंसू मत बहाओ। देखो तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए कितना अच्छा तोहफा भेजा है। देखो ये रसमलाई तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए छोड़कर गई है। माँ की बनाई रसमलाई को आशीर्वाद समझो। क्या कर रहे हो सब मिलके? आज आदित्य का एग्जाम है, फर्स्ट क्लास में पास हो इसलिए पूजा कर रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है जल्दी करो। सर हाँ मैं भी पूजा करूँ। थैंक यू। आदित्य अपना पेपर अच्छी तरह से लिखना, पूरा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना और फिर अच्छी तरह से उसका जवाब देना। अच्छे से लिखना भाई, अक्षरों को मोती की तरह पूरा विश्वास है तू फर्स्ट क्लास में पास होना, तुम्हें याद रखना। चल बाय, चलता हूँ। अरे ये क्या आदित्य ऐसे उदास क्यों लग रहे हो? पूरे 3 साल मेहनत करके लॉ की पढ़ाई की तुमने, अरे एग्जाम पे जाते हुए तुम्हें तो खुश होना चाहिए। क्या है सर, जब भी मैं एग्जाम देने जाता था अपनी बहन की सूरत देख के जाता था, लेकिन उस दिन मैंने उसकी सूरत नहीं देखी और अपने परिवार से ही बिछड़ गया। फिक्र मत करो और ऐसे वैसे ख्याल दिल में मत लाओ, सब अच्छा ही होगा। तुम सिर्फ मन लगाकर एग्जाम लिखना, ओके? देखो मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है, चिंता करने की कोई बात नहीं।
मेरी बहन सर, मेरी मेरी बहन, देखिए मेरी बहन। भैया बहन, मैं तुम्हारे बहन के लिए तुम्हारे सेंटिमेंट्स जानता हूँ, इसलिए लेकर आया। थैंक्स। हे, इट्स ओके। भैया, बेस्ट ऑफ लक। आप चलिए ना अंदर, मैं आपको सब समझा देता हूँ। आइए आइए सर, आइए बैठिए। सर कुछ चाय पानी, सर कुछ कॉफी। ए, वो सब छोड़ो, तुम पहले वो लेकर आओ, जाओ। नमस्ते जी। अरे नमस्ते नमस्ते नमस्ते, मुझे पहचाना क्या? क्षमा कीजिए, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। मैंने भी आपको पहले कभी नहीं देखा, मुझे लगा शायद मैं आपसे मिला होगा। बैठिए ना। अरे कुछ लीजिए। मुझे ऐसी वैसी आदत नहीं क्या? है। क्या ब्रांडी? कुछ भी नहीं पीता मैं। अच्छा, बिल्कुल हाथ नहीं लगाता। नहीं पीना तो अच्छी बात है, वैसे जो दारू नहीं पीता उसे मैटर बढ़िया याद रहता है। या आप टेंशन में क्यों आ रहे हैं? अरे भाई, हमारे घर की लक्ष्मी आपके घर में आना चाहती है। इसलिए? आओ। अरे आप पागलों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? देखो, आपकी बेटी तो है ना, उसकी शादी भी करनी है, शादी भी धूमधाम से करनी है, दो चार साल में रिटायर भी आप हो जाएंगे, कब तक किराए के मकान में रहोगे भाई? खुद का अपना घर होना चाहिए ना। आखिर बात क्या है? क्या बेकार आदमी हो, कुछ समझते नहीं हो। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे नासमझ को इस पोस्ट पर कैसे बिठा दिया ऊपर वाले ने। चलो असली बात पर आता हूँ जनाब। आप है एमसेट के कन्वीनर और मैं हूँ लीकेज लीडर, यानी हम दोनों एक हो जाए। मान लो कि हम लोग एक हो भी गए, हर सब्जेक्ट का एक एक पेपर आप मुझे सौंप दीजिए, आधे घंटे में जेरोक्स उसका लेकर वापस आपको दे दूंगा। मुझे यहाँ क्यों बुलवाया, अब मैं समझ गया। ए भगवान, ये तो समझ गए। इसको ले जाकर कार में रखो तुम, ये तुम्हें कुछ पेपर देंगे और आधे घंटे में उसका जेरोक्स निकाल कर ओरिजिनल इनको वापस। सॉरी, मुझे ऐसे मामलों में दिलचस्पी नहीं है। अरे हमें कौन सी दिलचस्पी है, हम कौन सा हमेशा करते हैं। अब इस लक्ष्मी को संभाल कर अच्छी तरह से छुपा कर रखिए और हमसे हाथ मिलाइए। तुम्हें मैंने अपना समझा और इतनी बातें की, तुम्हें मजाक लग रहा है? मैटर बहुत सीरियस हो रहा है। देखो, एक घंटे में ये 10 लाख रखो और मेरे आदमी को अपने ऑफिस में लेकर जाओ। एक्स्ट्रा बातें छोड़कर कैश संभालो और काम करो। आज आज तो रिजल्ट निकलने वाला है, वो जरूर फर्स्ट क्लास में पास होगा, देखना। नमस्ते साहब। अरे बात क्या है भाई, आदित्य साहब का रिजल्ट इवनिंग पेपर में आने वाला था, उसी को जानने के लिए। अरे पेपर तो आने दो, एग्जाम लिखने वाले से ज्यादा तुम लोग बौखला रहे हो। आदित्य कम ऑन, कम ऑन। हे, तुम फर्स्ट क्लास में पास हुए हो। मुबारक हो। थैंक यू सर। सर, गॉड ब्लेस यू। रुपये से खरीदना चाहता था वो मुझे, पेपर लीक करने का 15 लाख रुपए दूंगा ऐसा बोल रहा था वो कमीना। उसने देने को कहा लेकिन आपने ठुकरा दिया उसे, खत्म हो गई बात, भूल जाइए अब उस बात को। भूल जाने के लिए क्या ये छोटी बात है? लाखों विद्यार्थियों की जिंदगी से खेलना चाहता है वो। ऐसे रिश्वत देने वाले और लेने वाले ज्यादा हो गए तो समाज का क्या होगा? ऐसी गंदी नाली के कीड़े को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। पुलिस में रिपोर्ट करके उसे जेल भिजवाऊंगा, तब पता चलेगा उसे। राघव जी घर में है? जी घर में है। मैं ही राघव हूं, क्या बात है? यू आर अंडर अरेस्ट। अरेस्ट किस लिए? एमसेट पेपर्स को लीक करने के लिए आपने 15 लाख रुपए की रिश्वत ली है। क्या? उसका सबूत है आपके ऑफिस की अलमारी से मिले 15 लाख रुपए कैश। मेरी अलमारी से कैश मिला आपको? सब गड़बड़ घोटाला है, मैं कुछ नहीं जानता, मैंने कोई रिश्वत नहीं। जो कुछ भी कहना कोर्ट में चल के कहिए प्लीज। ये कोर्ट राघव को 30 दिन के लिए रिमांड पर रखने का हुक्म देती है। ये लीजिए आपने जो फाइल्स मंगवाई। ओके। पिताजी। आदित्य, क्या हुआ आदित्य? मैं पास हो गया ना, इसीलिए मेरे पिताजी मुझसे मिलने आए। अरे बात क्या है भाई? सर, मेरे पिताजी आए। अच्छा? हाँ, गेट पर खड़े हैं, वो जरूर मुझसे मिलने आए। चलो ना।
केस क्या है? 15 लाख की रिश्वत के जुर्म में पकड़े गए। तुम दिखने में तो बहुत शरीफ लगते हो, ऐसा क्यों किया? अरे तुम जैसों के हाथ पैर तोड़ेंगे तभी तो सुधरोगे। स्टूडेंट्स की जिंदगी से खेलते हुए शर्म नहीं आती? साइन करो इधर। बहुत खाया है तुमने, तुम्हें तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सर, मैं तो गलती करके ही जेल में आया हूँ, लेकिन मेरे पिताजी को शक की निगाहों से मत देखिए सर। हाँ, आपका सोचना गलत है सर, मेरे पिताजी गलत नहीं हो सकते, कभी गलत नहीं हो सकते, कभी गलत नहीं हो सकते सर, कभी गलत नहीं हो सकते, वो कभी गलत नहीं हो सकते। नमस्ते सर। यहाँ पर तो सभी गलती करने वाले ही आते हैं, मगर आप बिना कोई गलती के आ गए हैं। अच्छा, मैंने गलती नहीं की, इसका विश्वास है आपको? कुछ लोगों को देखकर हमें कुछ समझ में आता है कि आप जैसे जब जेल में आ गए तो आपका परिवार कितना दुखी होगा, ये मैं समझ सकता हूँ। सचमुच मुझसे ज्यादा तो वो लोग दुखी है। बिल्कुल सही फरमाया आपने, वो दुखी तो होंगे ही। वैसे आपके कितने बच्चे हैं? बस एक बेटी है सर। बेटा नहीं है? वो कब का मर चुका है। इनको ले जा। ठहरिए बाबू, हमका साफ करने दीजिए। कोई बात नहीं, बैठिए बाबूजी, बैठिए। चाय वगैरह कुछ लाऊंगा आपके लिए बाबूजी? नहीं, ठीक है। बाबूजी, आपके कोई कपड़े तो दे दीजिए, हम धोखे दे देंगे आपको। बाबूजी, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बोलिए। ठीक है। असल में आप जैसे लोग यहाँ आए तो बड़ा अन्याय है बाबूजी। यहाँ पे तो हम जैसे मुजरिमों को आना चाहिए, आप जैसे भले मानस को नहीं। यानी मैंने कोई गलती नहीं की, इसका आप लोगों को विश्वास? पूरा विश्वास है बाबूजी। 25 सालों से मैं जिस ऑफिस में काम करता था उन्होंने भरोसा नहीं किया, जिस समाज की सेवा की उन्होंने भरोसा नहीं किया, लेकिन तुम जेल के कैदियों ने मुझ पे भरोसा किया। ये सब हमें नहीं मालूम सर, आप हमारे आदित्य बाबू के पिता हैं, आप गलती कर ही नहीं सकते। नमस्ते सर। बेटा मर गया है बोला था ना आपने, मगर जो आपकी नजर में मर चुका है, इनकी नजर में उसका क्या स्थान है देखा आपने? एक ऑफिसर के रूप में आपने कोई गलती नहीं की, लेकिन पिता के रूप में आपने बहुत बड़ी गलती की। उसने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद होने से बचाई, ऐसे बेटे को पैदा करके गर्व होना चाहिए था आपको, लेकिन उसने एक जान ली, खूनी है वो, ऐसे विचार है आपके। उसे तसल्ली देने के बजाय आपने उसको एक अनाथ बनने पर मजबूर किया। उस रोज जो कुछ भी हुआ उसमें आपके बेटे की गलती है ऐसा आप समझते थे, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी गलती नहीं ऐसा आपका बेटा मानता है। आप जब यहाँ पर आए तो जानते हो उसने क्या बोला था? आग को दीमक लगना जितना बड़ा झूठ है, मेरे पिताजी की गलती करना भी उससे बड़ा झूठ है। आप लोगों के होते हुए भी वो एक अनाथ की जिंदगी जी रहा है सर। कोर्ट ने तो उसे सजा दी ही है सर, लेकिन उससे बड़ी सजा आपने दी है। अगर अब भी आपका दिल नहीं पिघलता है तो योर बैड लक। देखो, इतना होने के बाद भी अगर मैं उसे गुनहगार की निगाहों से देखूंगा तो मुझसे ज्यादा बदनसीब बाप इस दुनिया में नहीं होगा सर। मैं इतना कठोर अपने बेटे के मामले में हुआ सोचते हुए शर्म आती है मुझे। सर, वो इस वक्त कहाँ है सर? ईश्वर, मैंने तुम पर जितना भरोसा किया उतना ही अपने पिता पर भी किया। ऐसे में कोई अगर कहे कि मेरे पिता कसूरवार है तो मैं कैसे मान लूं बताओ? मेरी तुमसे ये प्रार्थना थी कि मुझे अपने पिताजी से मिलवा दो, लेकिन इस हाल में नहीं ईश्वर। वो बेकसूर है, उन्हें यहां से बाहर निकालिए। मेरी आपसे यही प्रार्थना है ईश्वर। पिताजी, पिताजी। आदित्य, बेटे मुझे माफ करते। ये क्या पिताजी, आपको तो आशीर्वाद देना चाहिए, मुझसे माफी मत मांगिए पिताजी। देखो बेटा, पिता होने का फर्ज मैंने कभी अदा नहीं किया। तुमने खून किया इस डर से कि समाज में कहीं मेरा नाम खराब ना हो जाए, मैं घबरा गया। तेरे मन में मेरे लिए जो प्यार और श्रद्धा है मैं वो जान नहीं पाया। घर से तुझे बाहर निकाल दिया, उसकी सजा मुझे आज भगवान ने दे दी और मुझे खुद तेरे पास यहाँ भेज दिया। देख बेटे, इतने दिनों तक मेरा बेटा मर गया मैं सबको बोलता था, लेकिन अब मुझे पता चला कि मेरे अंदर का पिता मर गया था। ऐसा मत कहिए। तुम मेरे बेटे हो,
ये मैं सीना तान के बोल सकता हूँ। पिताजी, पिताजी। उसके वास्ते हम क्यों इंतजार करें भाई? सुनिए, कल अगर हम जेल जाएंगे तो वो भी इसी तरह इंतजार करेगा। उधर 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 देखिए तो, उधर घूमिए ना। आगे क्या हुआ सर? अरे कितने कमजोर हो गए ये। सच कह रहा हूँ, पहले एसी में बैठकर खूब उड़ाते थे और अब कटोरा हाथ पे पकड़कर रूखा सूखा खाना जो मिल रहा है यहाँ पर, पतला तो होना ही था। अरे तुम्हारी बदनसीबी है, वरना मेरी बात मान जाते तो तुम इस तरह से अंदर अभी नहीं होते। असल में होता क्या है मैं बताता हूँ, रिश्वत लेने वाला शख्स अंदर होता है। अरे बिना रिश्वत लिए तुम अंदर आ गए भैया, यही तो मेरी चिंता है। आप बिल्कुल चिंता मत करें, न्याय बिल्कुल मेरी तरफ है, मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा, ऐसा भरोसा है मुझे। बाहर निकलेगा? लगता है इसका दिमाग खराब हो गया। देखो भैया, सजा तो तुम काट ही रहे हो। और सुनो, इस शहर में तुम्हारी तरफ से वकालत करने शायद ही कोई वकील आएगा। क्यों तुम्हें मालूम है? क्योंकि इस शहर में मेरा नाम और मेरे पैसों की ताकत से कोई भी लायर तुम्हारी तरफ से लड़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं करेगा। तुम एक काम करो, न्याय के दरवाजे को दो आंखें समझकर आंखें बिछाए राह देखते रहोगे तो कोई भूला भटका भी नहीं पहुंचेगा भैया, इसीलिए कहता हूँ मान जाओ। मुझसे हाथ मिला लो तो तुम मेरे साथ रहोगे, मेरे साथ खाओगे, मेरे साथ जियोगे। क्यों समझ गए? नीति और न्याय के लिए अब तक जिंदगी बिता दी, ऐसे सोचकर मर जाऊंगा, लेकिन तुम जैसे हरामखोर का साथ नहीं दूंगा। बेचारा, इसको जीने की राह रास नहीं आई, तभी तो उसकी जिंदगी सलाखों के पीछे रह गई। बाकी की जिंदगी से ही कहानी है। मेरे पिताजी को धमकाने की कोशिश कर रहे थे सरकार। वो तुम्हारे पिता है क्या? अरे वाह, बाप बेटे दोनों एक ही जेल में। ऐसी किस्मत बहुत कम लोगों को नसीब होती है भैया। मेरी किस्मत को मारो गोली, अब मुझे तुम्हारे साथ रहने का मन करता है, तुम्हारे साथ खाना भी चाहता हूँ, तुम्हारे साथ जीना भी चाहता हूँ। बच्चे, तुम्हारे पिताजी पागल हैं जो ईमानदारी से जीते हैं, मगर तुम तो मुझसे हाथ मिलाकर ऊपर उठना चाहते हो। तेरा भविष्य उज्जवल है, तुम्हें जल्दी मैं बाहर करवा दूँ। मुझे क्या बाहर करवाओगे तुम, मैं खुद तुम्हें अंदर करवाऊंगा, तब तुम्हारे साथ ही मैं रहूंगा, तुम्हारे साथ ही खाऊंगा और तुम्हारे साथ ही जीऊंगा। क्या जेल में पड़ा रहने वाला तू इनको अंदर करवाएगा? ए भगवान, जेल में रहते हुए अगर मैं लॉ पढ़ सकता हूँ तो जेल में रहते हुए इन्हें अंदर भी करवा सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। तुम्हें तुरंत काला कोट मिल जाएगा, ये सोच कर उछलो मत बच्चे, वरना जिंदगी राख हो जाएगी। तुम्हारे पैदा होने से पहले ही मेरे बाल पक गए थे। बहुत पहले पके बालों से तो अभी ताजी निकली मूछे ज्यादा तेज होती है और दमदार भी होती है। बातें फेंकने में तो उस्ताद। सिर्फ बातें फेंकना हमारी परंपरा नहीं, कर दिखाने की भी हिम्मत रखते हैं हम। क्या तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? नहीं, तुम्हारे भविष्य के पन्ने खोल रहा हूँ। हेलो, क्या है? थैंक्स कहना चाहता हूँ। किस लिए? पिताजी के केस की जो पैरवी मैं कर रहा हूँ वो तुम्हारे ही तो जरिए मिला है मुझे। करम कौन है? आज तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। वैसे बचपन में तुम्हारे माता पिता ने क्या खिला के बड़ा किया? बोलो। वही जो खाके तुम इस तरह निखर के खिली हो। इस दिल की घंटी बजाओ ना, लुभाओ ना, फूलों से नाजुक हो तुम जाना। इस दिल की घंटी बजाओ ना, लुभाओ ना, फूलों से नाजुक हो तुम जाना। डोलो ना, यूं चलो ना, यूं हंसो ना, यूं सजो ना, दिल मेरा ऐसे तो लूटो ना। इस दिल की घंटी बजाओ ना, लुभाओ ना, फूलों से नाजुक हो तुम जाना। नैनों से चलाओ ना, डर लगता है कहीं मैं खो न जाऊं कहीं, कहीं मैं खो न जाऊं कहीं। जाओ जाओ बातें
संभाले संभलता नहीं, दिल संभाले संभलता नहीं। क्यों दिल को 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 दिल को निशाना बनाओ ना, जाओ ना फूलों से नाजुक में जाना, छेड़ो ना यूं हंसो ना, कुछ कहो ना दिल दे के दिल को सताओ ना। क्यों दिल को 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 दिल को निशाना बनाओ ना, जाओ है अब सामने छल की जाए, तन मन भीगे अब नाजनी, तन मन भीगे अब नाजनी। जुल्फ की खटाई में लहराऊंगी, बरस जाऊंगी तुझे दो बाहों की चांदनी, तुझे दो बाहों की चांदनी। जब आंखों से तेरे छलकने लगे, दिल मेरा बहकने लगा, पास आओ ना, दिल संभाले संभलता नहीं, दिल संभाले संभलता नहीं। इस दिल की घंटी बजाओ ना, लुहाओ ना फूलों से नाजुक हो तुम जाना, दिल को निशाना बनाओ ना, जाओ ना फूलों से नाजुक में जाना। मुझे कोर्ट का सम्मन क्यों आया है भाई? देखो जो आया है वो सम्मन है, जजमेंट तो नहीं है। जजमेंट आपके फेवर में हो वैसा केस लड़ूंगा, आप कोर्ट जाने की तैयारी कीजिए। ये लायर तो मुझे बावला लगता है। अरे सुनो भाई, कल एमसेट की परीक्षा है, मैंने दोपहर 1 और 2 बजे के बीच ही पेपर लीकेज का प्रोग्राम बनाया है। उस बीच जाने पर ही काम होगा और पैसा भी उसी वक्त हाथ लगेगा, वरना जिन्होंने एडवांस दिया है वो पार्टी वाले सब लोग आपस में ही भिड़ जाएंगे, हमारी पोजीशन खराब हो जाएगी। दोपहर 1 बजे के भीतर ही कोर्ट में आपका काम हो जाए मैं देखूंगा। चलिए अरे सुन। हाँ। वो गरम खून लॉयर तो कहीं दिखता नहीं, हमारे भाषण से घबरा के कहीं छुप गया क्या? जरा नजर उधर भी घुमाइए। माँ आशीर्वाद तो माँ, काव्या भी तुम्हारे कदम चूमे। पिताजी आप मुझे लॉयर के रूप में देखना चाहते थे, आपकी इच्छा पूरी हो गई, लेकिन मैं जो पहला केस लड़ने जा रहा हूँ वो आपको बचाने के लिए है। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं ये जीत जाऊँ। सतीश, कल एमसेट के एग्जाम से वो संपत वर्मा किसी भी हालत में एमसेट पेपर्स लीक करने की कोशिश करेगा, उसे तो कोर्ट में ही रहना होगा, पर उसका पीए कोई ना कोई हरकत करेगा। ओके कम ऑन मूव। यानी कोई कुछ भी बोलेगा तो आप मेरे घर में आके पूछताछ करेंगे क्या? ये बात दुनिया वालों को मालूम पड़ेगी तो मेरी इज्जत का क्या होगा? आपकी तरफ से कोई वकालत करने आए हैं क्या? यस योर ऑनर। प्रोसीड। लुक मिस्टर संपत वर्मा। अरे तुम्हें ही तो देख रहा हूं भाई, क्या तुमने मिस्टर राघव जी को अपने घर बुला के 15 लाख की रिश्वत देनी चाहिए? रिश्वत? वो भी मैं? मंदिर में 50 पैसे दक्षिणा देते वक्त मुझे संकोच होता है कि भगवान को रिश्वत दे रहा हूं, तो क्या मैं इनको 15 लाख रिश्वत दूंगा? नहीं जनाब,
फिर आपने इन्हें अपने घर क्यों बुलाया था बोलो? घर पर? देखिए, इनसे मेरा परिचय ही नहीं है तो क्यों बुलाऊंगा घर पर मैं? अच्छा, फिर इनसे मिलने आप जेल क्यों गए थे? यदि मैं जेल में जाता तो रजिस्टर में मेरा नाम दर्ज होता, दिखा सकते हो? योर ऑनर, कहते हैं कानून अंधा होता है, लेकिन अब तो कानून की आंखें भी हैं। जेल के रजिस्टर में नाम बदला जा सकता है, लेकिन उसी जेल के क्लोज सर्किट कैमरे में रिकॉर्ड हुआ दृश्य क्या बदला जा सकता है? मुझे रिकॉर्डिंग दिखाने की इजाजत दीजिए। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मौजूदा टेक्नोलॉजी से ऐसे सबूत कितने भी हम भी तैयार कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जेल में आकर इस राघव साहब से मिले, ये हम भी तैयार कर सकते हैं। योर ऑनर, ये एक लॉयर नहीं है, एक बहुत बड़ा मुजरिम है, और एक मुजरिम अपने पिता को बचाने के लिए ऐसे उल्टे सीधे दांव पेच इस्तेमाल करके कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे क्रिमिनल मेंटेलिटी के लोगों को केस लड़ने देंगे तो ये कोर्ट की तौहीन होगी। ऐसे लोगों को कोर्ट में आने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। खून खराबा करके जेल जाकर कोर्ट को इस तरह गुमराह करने वाले ऐसे कैदी लॉयर को कोर्ट में वकालत करने की अनुमति हमें नहीं देनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि दैट्स ऑल योर ऑनर। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द लंच। सुनिए, पूरा एक बचा है, आप तुरंत जाकर काम निपटा के फौरन वापस आ जाइए। सब लोग तैयार है ना भैया? ये क्या इतनी देर कर दी? हम जो करते हैं लीकेज का व्यापार है। अरे देरी वेरी तो होगी ना भैया, ब्रेक टाइम में ही मैं बाहर निकल के आया था। ठीक है, कैश निकालो। लीजिए सर, सब मिला के 2 करोड़ रुपए हैं। पेपर लीजिए सर। लीजिए। अच्छा ठीक है, ठीक है। ए, सुनो, दोनों सूटकेस अंदर संभाल के रख दो, और ये लीजिए ओरिजिनल पेपर्स की जेरोक्स कॉपी। थोड़ी देर और यहाँ रुकेंगे तो इनके साथ हम मार खाएंगे। अरे चलो चलो यहाँ से, अरे चलो 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 चलो। अरे बाप रे, ये तो बच गया।
सर, संपत राय जी, व्हाट हैपेंड सर? अरे कार में पैर फंस गया, दिखता ली? ओ, बिल्कुल फिकर मत कीजिए, डॉक्टर ब्रह्मानंद आपका शिष्य, अभी बचा लूंगा। सुन बे, तू तो लीकेज डॉक्टर है, तू तो चम्मच और चाकू का फर्क नहीं जानता। मैं आ गया सर। अच्छे डॉक्टर के पास लेके चल। हजार भी ले आ। अबे तू कसाई है क्या? सर आपका पैर काट के बाकी की बॉडी को बाहर खींच लूंगा। अरे मुझे बख्श दे मेरे बाप। करिए मत सर। सर पैर कटने के बाद भी आप बैसाखियों से चल सकेंगे, लेकिन अगर आप मर गए सर तो आपको ले जाने के लिए चार आदमियों की जरूरत पड़ेगी सर। अरे छोड़ दे मेरे बाप, मुझे छोड़ दे, मैं अपनी मौत खुद भरूंगा। मैं जान की जान लगाकर भी आपको बचाऊंगा सर। डॉक्टर ब्रह्मा, व्हाट इज दिस? दिस इज ऑपरेशन, सीजेरियन ऑपरेशन करके बेबी को जैसे बाहर निकालते हैं वैसे पैर काट के मैं बॉडी को बाहर निकालूंगा। ओह शिट, इस टाइम तुमको उपयोग करना चाहिए डॉक्टर वाला ब्रेन, नहीं मेरे जैसे ग्रेट इंजीनियर का ब्रेन। कार को कट करके बॉडी को बाहर निकालूंगा। और नो, सुनो भैया, तुम दोनों क्या मेरी जान यमराज को सौंपोगे? छोड़ दो मुझे भैया, बड़े डॉक्टर के पास मुझे ले चलो। कार को काटने दो। नो, पैर को काटने दो। नहीं पहले कार काटने दो। अरे पहले कार भाई, मैं बोल रहा हूं कार। अरे लीकेज संपत वर्मा डाउन डाउन, लीकेज संपत वर्मा डाउन डाउन, लीकेज संपत वर्मा डाउन डाउन। अरे सुनो, ये लोग पहुंच जाएंगे तो हमारे हाथ पैर निकाल देंगे। अरे कहां जा रहे हो? आदित्य बेटा, मुझे किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर चलो तुम। अच्छा, अब जब आप पर मुसीबत आन पड़ी तो अच्छे डॉक्टरों की जरूरत पड़ी। तुम्हारी जान पर बनाई तो इंसानियत चाक उठी। चोरी किसी के घर में हुई हो तो उसी घर के लोगों को नुकसान पहुंचता है। वैसे ही किसी जगह मिलावट हो तो कुछ ही लोगों को नुकसान पहुंचता है। कोई बैंक अगर दिवालिया घोषित हो जाए तो खातेदारों को नुकसान पहुंचता है। लेकिन तुम ये जो पेपर लीकेज का काम करते हो उससे जो नालायक डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनते हैं उससे सारे समाज को नुकसान पहुंचता है। इस पाप की कमाई के लिए ना तूने विद्यार्थियों की जिंदगी से खिलवाड़ किया। कुत्ते, तुझे इन पैसों से 10 गुना ज्यादा पैसे दूंगा। तेरी वजह से बर्बाद हो गए विद्यार्थियों की जिंदगी को, क्या तू न्याय दिला पाएगा? कर न्याय कुत्ते, कर न्याय। पेपर लीकेज से तो स्टूडेंट्स को जो धोखा देता आया है वो पूरे देश में कैंसर की तरह फैल रहा है। तू और तुझ जैसे लोगों के हाथों बनाए गए इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट्स डॉक्टर इंजीनियर टीचर और लॉयर बन के देश की हर प्रणाली का सत्यानाश कर रहे हैं। पूरी दुनिया में सबसे आगे भारत के ही स्टूडेंट्स होंगे। लेकिन तुम जैसे चंद ठेकेदारों की वजह से आज कई विद्यार्थियों के साथ अन्याय हो रहा है। भारत देश का भविष्य आज हम जैसे स्टूडेंट्स के भविष्य पर आधारित है। स्टूडेंट्स का भविष्य संवारना है तो तुझ जैसे लालची कुत्तों को मारना होगा। ए पिंटू, छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं, एरी इन्हें छोड़ दीजिए। आदित्य मुझे माफ कर दो, मैंने जो भी गलती की है उसे कोर्ट में कबूल करूंगा। मुझे तुम बचा लो बेटा। चाहिए इनकी सहायता कीजिए। जज साहब, रिश्वत लेकर इनसेट पेपर लीक करने का जो बोला तो इनके पिताजी ने मना कर दिया। इन्हें रिश्वत के केस में मैंने ही फंसाया सर, वो निर्दोष है, असल दोषी मैं हूँ सर। तुम ही नहीं, जज के स्थान पर बैठा मैं भी दोषी हूँ। आदित्य, तुमने शेखर का खून नहीं किया था, मेरी बेटी की इज्जत बचाने की कोशिश में वो मारा गया था, वो मैं जानता था। लेकिन सच बोलने पर कहीं बेटी की जिंदगी बर्बाद ना हो जाए सोच के मैं डरता था। मैंने गलती की, उसकी सजा मेरी बेटी को विधवा बना के भगवान ने मुझे दी है। उस रोज चार दीवारी के बीच जो झूठ मैंने बोला था वो आज सबके सामने सीना ठोक के बोलूंगा कि तुम निर्दोष हो। इतने दिनों तुम्हें तुम्हारे परिवार से दूर किया और तुम्हें सजा भी दिलवाई, उसके लिए मुझे माफ करो। मैं तुम्हें और तुम्हारे पिताजी को कोर्ट में निर्दोष करार दूंगा बेटा। जो गलती मैंने की है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफा दे। जेल के कैदी होकर भी लगन से पढ़कर तुमने लॉयर बन के इतिहास को रचा। युवकों के आदर्श बनकर तुम एक मुजरिम से अच्छे लॉयर बने हो। तुम जिंदगी में बहुत तरक्की करोगे। ऑल द बेस्ट। यार तेरा मेरा साथ न छूटे कभी, यार तेरा मेरा प्यार न रूठे कभी। कहता है ओले ओले मेरा जी, चुरा लो चोरी चोरी मुझको मुझसे जी। यार तेरा मेरा साथ न छूटे कभी, यार तेरा मेरा प्यार न रूठे कभी। कोई कुछ कहे हम नहीं होंगे जुदा, तुम कभी ना होगी यार तेरे मेरे बाबा। ये क्या कहता है ओले ओले मेरा जी।